चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं कस्टम्स को। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंपोर्ट किस तरीके से होता है, मतलब पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देंगे और इनफैक्ट आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस कदर इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो देयर आर सेवरल डायग्राम्स यू विल फाइंड हियर। द वेरी फर्स्ट वन इज अराइवल ऑफ गुड्स एट द इंडियन कस्टम पोर्ट। किस तरीके से माल इंडियन कस्टम पोर्ट पे आता है, तो देखिए हमने क्या ड्रॉ किया है। पहले हम आपको डायग्राम थोड़ा समझा दें। बेसिकली इस लाइन के इधर यूएस है, ठीक है। ये बीच में जो दिख रहा है ब्लू से हम मार्क कर दे रहे हैं, ये सी एरिया है, ठीक है। और यहां पे देखिए ये इंडियन पोर्ट है, इस लाइन के इधर ये पोर्ट है, ठीक है। एक फॉरेन पोर्ट से शिप निकलती है गुड्स के साथ, ठीक है। इसे ड्राइव कौन कर रहा है, पर्सन इंचार्ज। ये देखिए सी एरिया में आ गई है शिप, इसे ड्राइव कौन कर रहा है, पर्सन इंचार्ज। जैसे ही पर्सन इंचार्ज शिप लेके आता है तो सीधे लाके इंडियन पोर्ट पे शिप को खड़ा नहीं कर सकता। जो इंडियन पोर्ट होते हैं उससे थोड़ी दूर पहले ही, ठीक है, यहां पे पानी का लेवल बहुत कम होता है, बेसिकली अब सी शोर पे आप आ चुके हो, वहां पे लाके शिप को खड़ा करना होता है और इसे कहा जाता है बर्थिंग एरिया। तो विल यू रिमेंबर दिस कि जो सी पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उससे थोड़ी सी दूर पहले ही क्या पड़ेगा, बर्थिंग एरिया, और शिप को लाके क्या करना पड़ेगा, यहीं पे खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर पर्सन इंचार्ज क्या करेगा, इस शिप पे से कूद जाएगा, निकलेगा और आईजीएम लेके, ये देखिए ये पर्सन इंचार्ज, पहला स्टेप हम बता रहे हैं क्या होगा, आईजीएम लेके पहुंचेगा प्रॉपर ऑफिसर के पास। डू यू रिमेंबर आईजीएम क्या होता है, लास्ट क्लास में आपने सीखा था इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट क्या होता है। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके शिप पे जो भी माल है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ अनलोडिंग, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजिट, फॉर ट्रांसशिपमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द क्रू मेंबर्स, ठीक है, उन सब की डिटेल होती है, वो प्रॉपर ऑफिसर को दिया जाता है। प्रॉपर ऑफिसर उसे चेक करता है और चेक करने के बाद परमिशन देता है, जिसे कहा जाता है एंट्री इनवर्ड परमिशन। ये देखिए सेकेंड स्टेप, प्रॉपर ऑफिसर क्या दे रहा है, एंट्री इनवर्ड, ठीक है। एंट्री इनवर्ड परमिशन का मतलब क्या होता है कि अब आप शिप को ले आइए और माल को अनलोड करवा दीजिए पोर्ट पे, ठीक है। तो एंट्री इनवर्ड परमिशन जैसे ही पर्सन इंचार्ज को मिलता है, वो बर्थिंग एरिया से कहां आ जाएगा, पोर्ट पे आ जाएगा और पोर्ट पे लाके माल को अनलोड करा देगा। डू आई रिपीट अगेन, डू आई नीड टू रिपीट, फिर से रिपीट करते हैं। पर्सन इंचार्ज शिप को लाके सीधे कहां लगाता है, क्या वो पोर्ट पे सीधे लगा देता है, नहीं, कहां लगाता है, बर्थिंग एरिया पे, ठीक है। बर्थिंग एरिया कहां होता है, पोर्ट से थोड़ा सा पहले बर्थिंग एरिया होता है। बर्थिंग एरिया पे खड़ा करते ही शिप को, ठीक है, पर्सन इंचार्ज क्या करेगा, शिप पे से कूदेगा, ठीक है, और पैदल ही ट्रेवल कर लेगा यहां से यहां का डिस्टेंस, ठीक है। पानी में छपाक छपाक करते हुए वो क्या करेगा, कस्टम पोर्ट तक पहुंच जाएगा और प्रॉपर ऑफिसर को वो पेश कर देगा आईजीएम, ठीक है। आईजीएम में सारी डिटेल होगी जो जो भी उसके शिप पे पड़ा हुआ है, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर उसे देखने के बाद क्या करेगा, उसे एंट्री इनवर्ड परमिशन देगा। एंट्री इनवर्ड परमिशन का मतलब होता है कि आप अपने शिप को बर्थिंग एरिया से लाके कहां ले आइए, कस्टम पोर्ट पे ले आइए और अपने माल को अनलोड करा दीजिए, ठीक है। माल को अनलोड जब करा दिया जाता है तो वो किसके पास चला जाता है, पता है, कस्टोडियन के पास, ठीक है। माल अनलोड वगैरह कौन कर रहा है, ये सब कस्टम वाले ही करते हैं, ठीक है। उसे बर्थिंग एरिया पे से लेके कस्टम पोर्ट पे शिप लगा देनी है, फिर कस्टम वाले लोग ही उसे माल को उतार के कस्टोडियन के पास जमा कर देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है माल के आने का। तो हम लोग ने पहला वाला स्टेप पढ़ लिया, दैट इज अराइवल ऑफ गुड्स एट इंडियन कस्टम पोर्ट। माल कैसे आता है, रिपीटिंग अगेन, बर्थिंग एरिया पे शिप खड़ी होती है, उसके बाद आईजीएम पेश किया जाता है, आईजीएम पेश करने के बाद एंट्री इनवर्ड की परमिशन मिलती है, एंट्री इनवर्ड की परमिशन मिलते ही शिप को पोर्ट पे लगा दिया जाता है, वहां पे माल अनलोड करके कस्टोडियन के पास चला जाता है, ठीक है। कस्टोडियन की देखरेख में होता है, ठीक है, जो पर्सन इंचार्ज है बेसिकली उस माल के लिए, वो क्या कहलाता है, कस्टोडियन, ठीक है।
तो कस्टोडियन के पास वो चला जाता है, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर फाइनली उसको क्या देता है, डिपार्चर परमिशन। फिफ्थ स्टेप ये है कि उसको डिपार्चर परमिशन दिया जाता है, मतलब अब आप सिर्फ ले जा सकते हो। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि जब माल कस्टोडियन के पास आ गया तो अब इंपोर्टर उसे छुड़ाएगा कैसे। तो अब स्टेप टू में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम पोर्ट फॉर होम कंजप्शन। अच्छा, गुड्स को पोर्ट से क्लियर कराया जाता है, होम कंजप्शन के लिए भी क्लियर करा सकते हैं और आप साथ ही साथ वेयर हाउस के लिए भी क्लियर करा सकते हैं। तो वेयर हाउस के लिए हम कैसे क्लियर कराते हैं ये फिर से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हम माल को छुड़ा के अब सीधे घर ले आएंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका है। आइए स्टार्ट कीजिए। इंपोर्टर अभी फिलहाल अपनी जगह पे है तो हम लिखे हैं कि इंपोर्टर प्रीमाइसेस पे ही इंपोर्टर है। अब वो क्या करता है, आता है, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन वो फाइल करता है किसको, प्रॉपर ऑफिसर को। स्टेप नंबर वन क्या है, इंपोर्टर आएगा कस्टम ऑफिस और बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करेगा किसको, प्रॉपर ऑफिसर को। व्हाट इज दिस बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन और किस कलर की होगी वो, होम कंजप्शन के लिए इमीडिएट क्लियर कराना है, कौन से कलर की होगी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, ये व्हाइट कलर वाली। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा होता है बच्चों बता दें आपको, इसमें लिखा होगा, इसमें लिखा होता है आइटम कॉलम होता है एक, ठीक है, उसके बाद एसेसेबल वैल्यू कॉलम होगा, एक रेट ऑफ ड्यूटी कॉलम होगा, चौथा कॉलम होगा ड्यूटी। तो आप जो जो आइटम इंपोर्ट किए हो उसकी वैल्यू रेट ऑफ ड्यूटी मल्टीप्लाई करके ड्यूटी निकालते हो, टोटल कर देते हो, ठीक है, और ये देखा देते हो प्रॉपर ऑफिसर को। ठीक है, जब आप प्रॉपर ऑफिसर को बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करते हो तो साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट और देते हो जिसका नाम है बिल ऑफ लेडिंग। बच्चों एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ आपको सिखाया भी इसीलिए जा रहा है ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए एकदम। ठीक है, तो इंपोर्टर आया, व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन उसने फाइल किया प्रॉपर ऑफिसर को, साथ में एक और डॉक्यूमेंट दिया जिसका नाम है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, जब एक्सपोर्टर ने, याद कीजिए इंपोर्टर की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्टर ने जब शिप पे माल चढ़ाया था तो एक्सपोर्टर जब शिप पे माल चढ़ाता है ना तो पर्सन इंचार्ज को कहता है कि हमको एक रसीद दो इसकी कि तुमने क्या क्या माल पाया है मुझसे। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सपोर्टर ने 5 क्वांटिटी माल चढ़ाया और फिर जब शिप वाला यहां पे इंडिया में उतारा माल तो उसमें 4 ही क्वांटिटी उतारा और कहता है 4 ही मुझे मिला था। तो एक्सपोर्टर क्या करता है, जब माल चढ़ाता है ना तो इंपोर्टर से ऐसे समझ, पर्सन इंचार्ज से ऐसे समझ लीजिए कि वो एक्नॉलेजमेंट ले लेता है कि हमने क्या क्या माल चढ़ाया, वही कहलाता है बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, तो जब एक्सपोर्टर ने माल चढ़ाया था शिप पे एक्सपोर्टिंग कंट्री में तो पर्सन इंचार्ज ने उसे लिख के दिया था, देखिए ए आइटम की 15 क्वांटिटी, बी आइटम की 20 क्वांटिटी, ये आपने शिप पे चढ़ाई है, मुझे दी है। ठीक है, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट मिली हुई थी एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर ने क्या किया था, मेल के जरिए या फिर कोरियर के जरिए किसको भेज दिया था, वो इंपोर्टर को, कि इंपोर्टर देखो ये माल चढ़ाए हैं सिप पे, तुम मिला के अपना माल ले लेना। ठीक है बात। तो अब जब वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करता है ना तो बिल ऑफ लेडिंग भी साथ में फाइल करता है। बिल ऑफ लेडिंग क्यों फाइल कर रहा है, बेसिकली प्रॉपर ऑफिसर ये भी देखेगा कि एक्सपोर्टर ने क्या चढ़ाया और फिर जो हम अपनी ड्यूटी कंप्यूट कर रहे हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन में वो सही कंप्यूट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो एक मैचिंग भी हो जाती है, एक्सपोर्टर ने ये चढ़ाया और यही माल आया, तो बिल ऑफ एंट्री में तो जो जो माल आया होता है उसकी एंट्री होती है उसकी वैल्यू के साथ उसकी ड्यूटी, और बिल ऑफ लेडिंग में क्या है, एक्सपोर्टर ने क्या माल चढ़ाया था, तो एक काउंटर चेकिंग भी हो जाती है इससे। तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन के साथ बिल ऑफ लेडिंग मिला के प्रॉपर ऑफिसर को दे दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, चेक करेगा, अच्छा ये आइटम ठीक है, एसेसेबल वैल्यू इसकी ठीक है, ये रेट ऑफ ड्यूटी ठीक है, ये ड्यूटी इसकी ठीक है, इसी तरीके से सारा चेक हो गया, ये टोटल भी चेक हो गया। जब टोटल भी चेक हो जाता है तो उस पर वो अपनी सील लगाता है, ठप्पा मारता है और अपना सिग्नेचर करता है, ये रहा। इसी को कहा जाता है असेसमेंट ऑन बिल ऑफ एंट्री इटसेल्फ।
इसे क्या कहा जाता है, असेसमेंट ऑन बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री की असेसमेंट हो गई और ये करके वो क्या करता है, बिल ऑफ एंट्री को रिटर्न कर देता है, किसको, इंपोर्टर को, रिटर्निंग असेस्ड बिल ऑफ एंट्री। बात समझ में आ गई, इंपोर्टर क्या किया, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल किया, प्रॉपर ऑफिसर ने उसे चेक किया, ठप्पा मारा और वापस पकड़ा दिया, कहा ये लो। अब इंपोर्टर उस असेस्ड बिल ऑफ एंट्री को लेके, ठप्पा मारी हुई बिल ऑफ एंट्री को लेके बैंक पहुंच जाएगा, ठीक है। इंपोर्टर कहां पहुंच रहा है, तीसरा स्टेप देखिए, अब इंपोर्टर कहां पहुंच रहा है, डेजिग्नेटेड बैंक। डेजिग्नेटेड बैंक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर बैंक में कस्टम ड्यूटी पे नहीं होती, हर बैंक में कस्टम ड्यूटी पे नहीं होती, कुछ बैंक है जहां पे कस्टम ड्यूटी पे होती है, तो जिन बैंकों में कस्टम ड्यूटी पे होती है आप उसी बैंक में जा सकते हैं, ठीक है। तो इंपोर्टर विल गो टू द डेजिग्नेटेड बैंक, वहां पे वो क्या करेगा, चलान उठाएगा, टीआर सिक्स चलान। क्या होता है टीआर सिक्स चलान, जैसे बैंक में आप पैसे जमा करते हैं तो पे इन स्लिप होता है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से टीआर सिक्स चलान होता है, ठीक है। तो टीआर सिक्स चलान में वो क्या करेगा, भर देगा इतना इतना पैसा हमको जमा करना है, जमा करेगा, बिल्कुल पे इन स्लिप की तरह वो होता है, बीच में परफोरेटेड लाइन होती है, एक तरफ का फाड़ के बैंक अपने पास रख लेता है, दूसरी तरफ का मोहर लगा के जिसने पैसे जमा किए उसको दे देता है, ठीक है। पैसे जमा होने की जो स्लिप है, ठीक है, वो लेके अब वो वापस आएगा, ये देखिए, अब वो बैंक से इंपोर्टर वापस आता है और सबमिट करता है एक्नॉलेज्ड कॉपी ऑफ टीआर सिक्स चलान। टीआर सिक्स चलान की एक कॉपी तो बेसिकली एक तरफ का तो फाड़ के किसने रख लिया, बैंक वाले ने, दूसरे तरफ का जो दिया था एक्नॉलेज्ड कॉपी वो अब सबमिट करेगा प्रॉपर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को दिखाएगा कि देखिए ये पैसे हमने जमा कर दिए। प्रॉपर ऑफिसर अब उसको दे देगा आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं क्लियरेंस ऑर्डर। आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, क्लियरेंस ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अब आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, आप माल ले जा सकते हो, क्लियरेंस ऑर्डर, आप क्लियर कर लो माल यहां से, ठीक है। अब इंपोर्टर कहां जाएगा, माल किसके पास पड़ा हुआ है, याद है, कस्टोडियन के पास। जब माल उतरा था पोर्ट पे तो वो किसके पास चला गया था, कस्टोडियन के पास, ठीक है। तो वो आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, क्लियरेंस ऑर्डर लेके कहां पहुंच रहा है, देखिए छठवां स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, कस्टोडियन के पास, ठीक है। कस्टोडियन कहता है कि लाइए पहले मेरा पोर्ट ड्यूज दीजिए। व्हाट इज पोर्ट ड्यूज, आपको बताएं, कस्टोडियन ने कुछ दिन माल स्टोर किया आपका, तो आपसे स्टोरेज चार्ज लेता है, ठीक है, स्टोरेज चार्ज लेगा। और तो और, जब पोर्ट पे आपका माल आया था तो पता है अनलोड किसने कराया था, कस्टम वाले लोगों ने, शिप वाला तो बस लाके क्या किया था, पोर्ट पे माल खड़ा, शिप खड़ा कर दिया था, कस्टम वाले लोगों ने माल उतारा था और कस्टोडियन के पास रखा था, तो कस्टोडियन आपसे रखने का चार्ज लेगा, स्टोरेज का चार्ज लेगा, और जो माल की अनलोडिंग कराया था उसका भी चार्ज लेगा। तो आपसे कहता है मुझे स्टोरेज और अनलोडिंग का चार्ज दीजिए, जिसे कहा जाता है पोर्ट ड्यूज, ठीक है। इंक्लूडिंग डेमरेज चार्जेस, व्हाट इज दिस डेमरेज चार्जेस, बेसिकली आपको यह बता दें कि कस्टोडियन के पास जितना दिन चाहे उतना दिन माल नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक है। हर पोर्ट का अपना नियम होता है कि कस्टोडियन के पास कितना दिन मैक्सिमम माल रह सकता है। बहुत सारे पोर्ट बहुत बिजी हैं तो दो ही तीन दिन माल रख सकते हो आप, उससे ज्यादा नहीं, तब तक छुड़ाना पड़ेगा आपको। कुछ पोर्ट कम बिजी हैं तो अकॉर्डिंगली उनका टाइम लिमिट है, ये पोर्ट टू पोर्ट डिफर करता है। नॉर्मली एक पोर्ट आपको 5 दिन से ज्यादा का समय नहीं देती, यानी 5 दिन में आपको कस्टोडियन के पास से माल उठाना ही पड़ेगा। सपोज एक पोर्ट का नियम है कि आप 5 दिन तक ही कस्टोडियन के पास माल रख सकते हो, अगर आपने 5 दिन के बियॉन्ड किया तो वो आपसे एक पेनाल्टी लेते हैं कि आपने 5 दिन के बाद भी मेरे पास माल छोड़ दिया था, इतना बिजी पोर्ट है, लोगों का और भी माल उतरना है, उसके बाद भी आप अपना माल यहीं पे रखे हुए हो, हटाए क्यों नहीं। तो उसकी जो वो पेनाल्टी लेता है उसी को पता है क्या बोलते हैं, डेमरेज चार्जेस। आया समझ में, डेमरेज चार्जेस क्या होता है, डेमरेज चार्जेस का मतलब होता है पेनाल्टी। किस बात की पेनाल्टी, आपने समय के अंदर अपना माल कस्टोडियन के पास से नहीं हटाया, इस बात की पेनाल्टी। सर कितने दिन कस्टोडियन के पास रख सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है बेटे, कस्टोडियन के पास कितने दिन तक माल रख सकते हो आप, ये पोर्ट टू पोर्ट डिफर करता है। जो पोर्ट बहुत बिजी है वो कहता है बस 3 दिन रख लो, 4 दिन रख लो, जो पोर्ट बहुत बिजी नहीं है वो 7 दिन 8 दिन का भी समय दे देता है।
नॉर्मली प्रायः ये देखा गया है कि ज्यादातर पोर्ट में 5 दिन का नियम है कि आप 5 दिन तक कस्टोडियन के पास रख सकते हो, उसके बियॉन्ड अगर रखोगे तो आपसे डेमरेज चार्जेस लिया जाएगा। ठीक है, तो हम डेमरेज को बेसिकली बोल दे रहे हैं पेनाल्टी है ये एक तरीके की। ठीक है, एंड देन डिलीवरी ऑफ गुड्स, और उसके बाद वो गुड्स को डिलीवर कर देता है। ठीक है, तो जल्दी बताइए, जैसे ही हमें आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर यानी कि क्लियरेंस ऑर्डर मिला, हम क्या करेंगे? हम कस्टोडियन के पास पहुंचेंगे, हम कहेंगे कस्टोडियन भाई साहब मुझे मेरा माल दे दीजिए। तो कस्टोडियन क्या बोलेगा? कहेगा पोर्ट ड्यूज जमा कीजिए, और अगर आप डिले किए होगे तो आपसे और क्या मांगेगा? डेमरेज चार्जेस भी मांगेगा। ठीक है, हम उसको पे कर देंगे, कहेंगे ये ले लो। पे करने के बाद हम क्या करेंगे? माल को लेके चले आएंगे अपनी प्रीमाइसेस पे, काम खत्म। आया समझ में कि इंपोर्टर कैसे माल छुड़ाता है? इंपोर्टर कैसे माल छुड़ाता है, फिर से बात करते हैं आपसे, इंपोर्टर माल को कैसे छुड़ाएगा। नंबर वन, सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्टर पहुंचेगा कस्टम ऑफिस, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन व्हाइट कलर वाली फाइल करेगा, साथ में और क्या फाइल करेगा? बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? एक्सपोर्टर ने जब शिप पे माल चढ़ाया था तो पर्सन इंचार्ज से कहा था मुझे रिसीविंग दो, मैंने क्या क्या माल चढ़ाया है, तो पर्सन इंचार्ज ने उसे रिसीविंग दी थी एक्सपोर्टर को, और एक्सपोर्टर ने वही रिसीविंग कोरियर के जरिए या फिर मेल के जरिए, आज के जमाने में कोई कोरियर ओरियर नहीं कराता है, मेल इतना अच्छा साधन है, स्कैन किया मेल कर दिया, तो मेल के जरिए उसने किसको भेज दिया था? इंपोर्टर को भेज दिया था। इंपोर्टर वही कॉपी क्या किया है? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन के साथ फाइल कर दिया है किसको? प्रॉपर ऑफिसर को। प्रॉपर ऑफिसर देखता है भाई माल सही है कि नहीं है, ड्यूटी वगैरह सही कंप्यूट की गई है कि नहीं, उस पर ठप्पा मारता है, साइन करता है और पकड़ा देता है इंपोर्टर को। इंपोर्टर उसे लेके डेजिग्नेटेड बैंक पहुंच जाता है, पैसा जमा करता है। पैसा जब जमा करता है तो उसे TR6 चालान की एक तरफ की कॉपी फाड़ के मिल जाती है, एक तरफ की बैंक ने रख ली। वो एक्नॉलेज कॉपी लेके कहां पहुंचता है? प्रॉपर ऑफिसर के पास। उसे दिखाता है कि देखिए भाई साहब मैंने पैसे जमा कर दिए। वो क्या करता है? अब वो आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर यानी कि क्लियरेंस ऑर्डर दे देता है उसको, कहता है ये लो अब तुम माल लेके जा सकते हो। वो आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर क्लियरेंस ऑर्डर लेके कहां पहुंचेगा? कस्टोडियन के पास। कस्टोडियन से कहेगा भाई साहब अब मेरे सामान दे दीजिए मुझे। कस्टोडियन कहता है कि पोर्ट ड्यूज लाओ। पोर्ट ड्यूज क्या होता है? पोर्ट ड्यूज क्या होता है? कस्टोडियन ने अपना आपका माल स्टोर करके रखा, उस बात के पैसे लेता है वो। जब सिप आपकी पोर्ट पे आई थी तो कस्टोडियन ने ही, कस्टम वाले लोगों ने ही क्या किया था? आपका माल उतरवाया था, तो अनलोडिंग का पैसा लेता है। ठीक है, और अगर आपने समय के अंदर अंदर कस्टोडियन के पास से माल नहीं छुड़ाया होगा तो ऐसे में कस्टोडियन आपसे डेमरेज चार्जेस भी लेता है, जिसे हम पेनाल्टी कहते हैं इनफैक्ट। ठीक है, वो लेगा, और वो लेने के बाद आपको आपका माल दे देगा और आप उसे लेके अपनी प्रीमाइसेस पे आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? बेसिकली ऐसे पढ़ने से क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में चीजें बैठ रही हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो रेदर देन अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ क्लियरेंस ऑर्डर, आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, हम उस प्रोसेस को पूरा समझ रहे हैं तो बड़े अच्छे से हमें समझ में आ रहा है कि किस चीज का क्या मतलब है। ठीक है, डेमरेज चार्जेस इट इज लेविड अंडर द पोस्ट Port Trust Act, if the importer fails to clear unloaded goods within the specified period, generally 5 days hota hai, then demurrage charges become leviable. Achha, agar hum home consumption ke liye goods ko clear nahi kara rahe hain, humko kahan dalna hai goods ko? Warehouse mein. Kaun se warehouse mein? Custom ke hi warehouse mein. Theek hai? To basically aap custodian ke paas maal nahi chhod sakte, kyunki custodian ki jagah kahan pe hai? Basically port pe hi hai. ठीक है, अब पोर्ट पे बहुत ज्यादा पोर्ट बिजी है, जगह नहीं है रखने के लिए, तो वहां से हटाइए। कस्टम वालों ने अपना वेयर हाउस बना रखा है, आप चाहें तो माल वहां पे भी डलवा सकते हैं। तो अगर हमें होम कंजप्शन के लिए गुड्स को क्लियर नहीं करना है, वेयर हाउस में डलवाना है, तो क्या करना होगा? आइए समझिए, इंपोर्टर पहुंचेगा और अब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल नहीं करेगा, क्या फाइल करेगा? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। ये बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग कौन से कलर की होती है बच्चों? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग कौन से कलर की होती है? येलो कलर। ठीक है, और दूसरा नाम भी सुनिए इसका, इसको इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री कहा जाता है। आपके एग्जाम में ये वर्ड भी लिख सकता है, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। अगर इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री लिखा है तो आप समझ जाइएगा ये क्या बात कर रहा है, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। जैसे अगर सिर्फ बिल ऑफ एंट्री लिखा हुआ है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, तब तो क्लियर है
कि हम इमीडिएट क्लियर करा रहे हैं, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री लिखा हुआ है, तो समझ जाइएगा वो बिल ऑफ एंट्री कौन सी है, फॉर वेयर हाउसिंग। तो येलो कलर वाली वो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करेगा, साथ में और क्या फाइल करेगा, बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री में होता क्या है, एसेसेबल वैल्यू, रेट ऑफ ड्यूटी, यही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। वो भरेगा और कस्टम ऑफिसर को पकड़ा देगा, यही है पहला स्टेप, ठीक है। कस्टम ऑफिसर उस पर टेंटेटिव असेसमेंट करेगा। अब ये टेंटेटिव असेसमेंट क्या है सर, ठीक है, वही है, ठप्पा लगाएगा और साइन कर देगा उस पर। लेकिन इसे टेंटेटिव असेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ड्यूटी कंप्यूट हुई है वो पे नहीं करनी है अभी, ध्यान दीजिएगा, जो ड्यूटी कंप्यूट हुई है वो अभी पे नहीं करनी है, पे तब करेंगे जब माल छुड़ाएंगे, अभी तो हम माल कहां डलवाने जा रहे हैं, वेयर हाउस में। तो इसलिए इस असेसमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, टेंटेटिव असेसमेंट, ये कोई फाइनल असेसमेंट नहीं है। यहां पर जो ड्यूटी कंप्यूट हुई है, अगर ये येलो कलर वाला था बिल ऑफ एंट्री, तो इसमें जो ड्यूटी कंप्यूट होती है वो पे नहीं करनी है, ठीक है। पे कब करनी होगी पता है, पे करनी होगी जब आप वापस से वेयर हाउस से माल क्लियर कराओगे, और उस समय फिर से एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, उसमें जो ड्यूटी कंप्यूट होती है ना पे, वो होती है। तो आज जो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल कर रहे हैं उसमें ड्यूटी तो कंप्यूट हो रही है, लेकिन उसको पे नहीं करनी है, ठीक है। तो इसीलिए उस असेसमेंट को क्या कहते हैं, टेंटेटिव असेसमेंट। टेंटेटिव असेसमेंट करके उस पर ठप्पा लगा के साइन करके वो दे देगा, और इंपोर्टर क्या करेगा, अब बैंक जाके जमा करेगा, बिल्कुल नहीं, बैंक जाके जमा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अभी टैक्सेस जमा ही नहीं करने हैं। उससे जितना अमाउंट उसमें आ रहा है, यहां पर यह जितना भी अमाउंट आया है, इसके दुगने अमाउंट का बॉन्ड देना पड़ेगा, अभी ड्यूटी जमा नहीं करनी है, इसके दुगने अमाउंट का बॉन्ड देना होगा, जिसे कहा जाता है वेयर हाउसिंग बॉन्ड। अब ये क्या होता है सर, वेयर हाउसिंग बॉन्ड, गारंटी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। सपोज हमने इंपोर्ट किया है माल, ठीक है, अब हम कस्टम वेयर हाउस में माल डलवा रहे हैं, तो हमको ना गारंटी दिलवानी होगी कस्टम वालों को किसी बड़े आदमी की, ठीक है। कस्टम वाले कहेंगे किसी बड़े आदमी को जानते हो, चलो उससे गारंटी दिलवाओ, लिख के देगा वो गारंटी, कितने अमाउंट की, डबल अमाउंट की। जैसे मान लीजिए मेरा टैक्सेस पता है कितना बना है, ये बना है 10 लाख रुपया, तो किसी बड़े आदमी से लिखवा के कस्टम वालों को देना होगा, और वो बड़ा आदमी क्या लिख के देगा कि 20 लाख रुपए हम दे देंगे अगर ये बंदा टैक्स नहीं देता है। बात समझ में आई, जैसे ये मेरा माल है, ठीक है, तो कस्टम वाले हमसे क्या कहते हैं, राज अग्रवाल जाइए किसी बड़े आदमी से लिखवा के दीजिए कि 20 लाख रुपया वो दे देगा अगर आप टैक्सेस नहीं देते हो, तो ठीक है। तो हमको ट्वाइस द अमाउंट का क्या देना पड़ेगा, बॉन्ड देना पड़ेगा। हाँ, अब बच्चों के मन में ये बात आ रही होगी, सर अगर मान लीजिए किसी बड़े आदमी को हम नहीं जानते हैं, कोई मेरे लिए लिख के देने को तैयार ही नहीं है, कि इतना पैसा वो दे देगा, तब क्या करें। कोई बात नहीं, चिंता की बात ही नहीं है, टैक्स तो आपको बाद में जमा करना है ना। अगर कोई किसी बड़े आदमी से जान पहचान नहीं है, कोई लिख के नहीं दे रहा है, तो आप टैक्सेस अभी जमा कर दीजिए, समझ में आई बात, तब आपको ट्वाइस द अमाउंट ऑफ बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ बॉन्ड देके आप टैक्सेस को रोक सकते हो, जब आप क्लियर कराओगे ना वेयर हाउस से, तब दे देना। Twice the amount of bond. Bond is what? Guarantee from third person. This is a guarantee from third person. This is a guarantee from third person. ये हम क्या करेंगे, किसको दे देंगे, proper officer को दे देंगे। Proper officer हमको क्या दे देगा, clearance order. ध्यान दीजिएगा, पहले भी क्लियरेंस ऑर्डर दिया था, लेकिन इस क्लियरेंस ऑर्डर का मतलब क्या था, आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, ठीक है। यहां पे जो हमको क्लियरेंस मिल रहा है, ठीक है, ये वेयर हाउसिंग के केस में जो क्लियरेंस ऑर्डर मिल रहा है वो आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर नहीं है, चार्ज खत्म नहीं हुए हैं, क्लियरेंस ऑर्डर है, गुड्स को आप क्लियर करा सकते हैं, फॉर व्हाट पर्पस, वेयर हाउसिंग। तो इस क्लियरेंस ऑर्डर को वेयर हाउसिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। लेकिन जब हम होम कंजप्शन की बिल ऑफ एंट्री फाइल किए थे, तो उसमें जो क्लियरेंस ऑर्डर मिलता है उसको क्या बोला जाता है, आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, क्योंकि वो टैक्सेस पे करने के बाद वाली पोजीशन थी। तो हमको मिल गया क्लियरेंस ऑर्डर,
क्लियरेंस ऑर्डर लेके इंपोर्टर कहां पहुंचेगा? बोलो बोलो बोलो, कहां पहुंचेगा? कस्टोडियन के पास। कस्टोडियन बोलेगा लाओ मेरे पोर्ट ड्यूज लाओ, डिले हुआ होगा तो कहेगा डेमरेज चार्जेस लाओ, ठीक है। और ये सब लेने के बाद वो क्या करेगा? कहेगा कि ठीक है अब अपना माल कस्टम वेयरहाउस में ले जाओ। तो वहां से उठा के माल कहां पहुंचा दिया जाएगा? कस्टम के वेयरहाउस में, ठीक है। तो रिपीट करें, वेयरहाउस का क्या तरीका है? हम इंपोर्टर हैं, मेरा माल कस्टम पोर्ट पे आ चुका है और मुझे माल छुड़ा के अपनी जगह पे नहीं लाना है क्योंकि मेरे गोडाउन में जगह नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा माल कहां चला जाए? कस्टोडियन के पास से उठ के कहां चला जाए? कस्टम के वेयरहाउस में। अब हम क्या करेंगे? हम पहुंचेंगे कस्टम ऑफिस, ठीक है, कुछ फाइल करेंगे। क्या? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग। कौन से रंग की होती है वो? येलो कलर की, ठीक है। उसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट और देंगे। क्या देंगे? हाँ बोलिए, क्या देंगे? बिल ऑफ लेडिंग। किसको पकड़ा है हमने? प्रॉपर ऑफिसर को। प्रॉपर ऑफिसर उसे चेक करेगा बाकायदा, ठीक है, उस पर ठप्पा मारेगा, साइन करेगा, मुझे पकड़ा देगा, ठीक है। जो ड्यूटी उसमें कंप्यूट की गई थी उसके दुगने अमाउंट का हम क्या दिलाएंगे उसको? थर्ड पार्टी गारंटी दिलवाएंगे, ठीक है, किसी बड़े आदमी की गारंटी दिलवाएंगे दुगने अमाउंट की। 10 लाख रुपए का टैक्स बन रहा होगा ना तो 20 लाख रुपए की गारंटी दिलवाएंगे, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा सर 20 लाख की गारंटी क्यों दिलवाई जा रही है जब 10 ही लाख का टैक्स है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अभी इंतजार कीजिएगा, बाद में पता चलेगा आपको कि क्यों ज्यादा अमाउंट का ले लिया था कस्टम वालों ने, ठीक है। हमने क्या किया? ट्वाइस द अमाउंट की गारंटी दिलवा दी। ट्वाइस द अमाउंट की जैसे हम गारंटी दिलवाएंगे प्रॉपर ऑफिसर हमें क्या देगा? क्लियरेंस ऑर्डर देगा, जिसको और क्या बोला जाता है? वेयर हाउसिंग ऑर्डर। हम उस क्लियरेंस ऑर्डर को लेकर कस्टोडियन के पास पहुंचेंगे, कस्टोडियन से कहेंगे मेरा माल दीजिए। कस्टोडियन कहेगा पोर्ट ड्यूज लाओ। पोर्ट ड्यूज का मतलब कस्टोडियन के पास जितने दिन माल था उसका स्टोरेज चार्ज और माल उतरवाया गया था सिर्फ से उसका अनलोडिंग चार्ज, इतना दीजिए, ठीक है। और अगर डिले किए होंगे 5 दिन से ज्यादा किए होंगे तो ऐसे केस में डैमरेज चार्जेस भी लिया होगा वो, ठीक है। वो देने के बाद वो माल छोड़ देगा आपका और आप उसको कहां उठा के डाल दीजिए? कस्टम के वेयरहाउस में। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? मजा आ रहा है? लग रहा है कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही तरीका होता है विदेश से माल देश में लाने का। आइए आगे सुनिए सेक्शन 48, इसमें क्या है। अच्छा एक बात और विशेष ध्यान दे दीजिएगा, हमने बताया भी आपको, इस बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग को और क्या बोला जाता है? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। सेक्शन 48, इफ अनलोडेड गुड्स आर नॉट क्लियर विद इन 30 डेज द कस्टोडियन हैज द पावर टू सेल द गुड्स विद द परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। बहुत ध्यान से इस बात को सुननी होगी। इफ अनलोडेड गुड्स आर नॉट क्लियर विद इन 30 डेज then the custodian has the power to sell the goods with the permission of proper officer. क्या कहना चाहते हैं? ये जो bill of entry file होती है, bill of entry whether for home consumption of a warehousing, ये 30 दिन के अंदर अंदर आप file कर लीजिएगा, maximum 30 दिन के अंदर। अभी वैसे आपको बताएंगे कि ये file तो अगले दिन हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी maximum 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। आप एक दिन, अगले दिन bill of entry for home consumption या फिर warehousing कब file करनी चाहिए? जिस दिन माल आया उसके अगले दिन। क्यों? क्योंकि कस्टोडियन के पास से माल हटाना है ना। अगर आप अगले दिन नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पेनलाइज भी किया जाता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय भी कितना है? 30 दिन है। 30 दिन के अंदर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन या फिर वेयर हाउसिंग फाइल कर लीजिएगा। अगर आप फाइल नहीं करते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर तो पता है क्या होगा? कस्टोडियन आपका माल बेच के अपना पैसा निकाल सकता है, आपका इंतजार भी नहीं करेगा। यानी ऐसे समझिए, मेरा माल कस्टम पोर्ट पे आया और मैं 30 दिन तक गया नहीं उस माल को लेने के लिए, तो क्या होगा? कस्टम वाले माल आपका बेच के अपना टैक्स वैक्स निकाल लेंगे और बैलेंस जो बचेगा, कुछ बचा अगर, तो दे देंगे आपको। आ रही है बात समझ में? तो ऑक्शन कराएंगे उसका, जिस भी भाव में निकलेगा बेच बाच के खाली हो गए। तो माल आने के 30 दिनों के अंदर अंदर कस्टम पोर्ट पहुंच के आपको माल छुड़वाना है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो यही सेक्शन 48 कहता है कि अगर अनलोडेड गुड्स को क्लियर नहीं कराया गया, ठीक है, कस्टम कस्टोडियन के पास जो माल पड़ा हुआ है और माल छुड़ाने का तरीका क्या है? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन या फिर बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन या फिर वेयर हाउसिंग आपको 30 दिनों के अंदर अंदर फाइल कर देने हैं। अगर आप 30 दिनों के अंदर फाइल नहीं करेंगे तो कस्टोडियन आपका माल बेच सकता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, लगे हाथ आपको एक बात और बता दें कि अगर आप चाहें तो खुद ही आप क्या कर सकते हैं,
आप रिलिंक्विश कर सकते हैं अपना राइट, आप खुद ही जाके कस्टम ऑफिस में कह सकते हैं मुझे मेरा माल नहीं चाहिए, रहने दो 30 दिन के पहले ही। जैसे अगर 30 दिन तक तुम नहीं गए तो क्या होगा, कस्टोडियन माल तुम्हारा बेच के अपना टैक्स वैक्स निकाल लेगा और बचेगा कुछ तो तुमको दे देगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो पहले ही चले जाओ, 10 दिन में ही चले जाओ, अगर तो मुझे माल नहीं छुड़ाना है, तुम लोग रख लो, ठीक है। तो कस्टोडियन क्या करेगा, तुम्हारा माल बेच देगा और पहले पैसा अपना टैक्स वाला रिकवर करेगा, और फिर कुछ बचेगा तो तुमको देगा, और नहीं बचेगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सेक्शन 150 में ये बात लिखी हुई है, रियलाइजेशन विल बी फर्स्ट यूटिलाइज टू मीट कस्टोडियन ड्यूज एंड देन कस्टम ड्यूटीज एंड द बैलेंस रिफंडेड टू इंपोर्टर। क्या तरीका होता है, जितना भी पैसा आता है उससे पहले कस्टोडियन के ड्यूज क्लियर कराते हैं, फिर कस्टम ड्यूटी क्लियर होती है, और फिर बचता है तो किसको मिलता है, इंपोर्टर को, ठीक है। नहीं बचेगा तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए मेरा माल आया कस्टम पोर्ट पे, हम गए और हमको छुड़ाने का मन ही नहीं है। एक बात बताइए, विदेश में पैसा देके माल मंगाए, हमको छुड़ाने का मन नहीं है, ये कौन सी बात हुई? ये बात हुई, आइए समझाए क्यों। पता है वो माल हमने कितने का लिया था, 1 करोड़ रुपए का, विदेश से, विदेश में 1 करोड़ रुपया दिए, ठीक है। अब इस ये माल जो इंडिया में आ गया है, इस पे हमको टैक्स पता है कितना देना है, 40 लाख, 40 लाख रुपए का टैक्स देना है, और छुड़ा के माल लाना है। आज मार्केट प्राइस उस प्रोडक्ट की बहुत कम हो गई, जब तक माल आया मेरा तब तक मार्केट प्राइस बहुत कम हो गई। पता है अब माल इंडिया में हम बेच के कितना पैसा पाएंगे, मात्र 30 लाख रुपया, 30 लाख रुपए में वो पूरा माल बिकेगा। अब 1 करोड़ रुपए तो मेरे लग चुके हैं मालूम है हमको, लेकिन अभी भी टैक्स देने का क्या फायदा, 40 लाख रुपए का टैक्स देके माल को छुड़ाएंगे और 30 लाख रुपए में बिक जाएगा, तो यानी 10 लाख रुपए का भी और घाटा लगना है, तो इससे अच्छा है हम माल ही नहीं छुड़ाएंगे। तो ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। या कभी कभी विदेश से माल आया वो अनफिट है, अच्छा ही नहीं है, हमें समझ में आ गया कि जो विदेशी सप्लायर था वो 420 निकल गया, ठीक है, उसने गलत माल मुझको भेज दिया। हमें समझ में आ रहा है कि जितने का माल नहीं उससे ज्यादा तो टैक्स बन जा रहा है, हम छोड़ देते हैं ऐसे माल को। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, इसमें से पहले कस्टोडियन अपने चार्ज निकालेगा। कस्टोडियन का कितना हुआ, मान लीजिए 2 लाख रुपया, बचा कितना, 28 लाख रुपया, ड्यूटी कितनी थी, 40 लाख, लेकिन 28 लाख रुपए ही कस्टम ड्यूटी पे हो जाएगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या आपसे 12 लाख रुपए मंगाए जाएंगे, नहीं, हमको देना नहीं पड़ेगा। अगर हम अपना माल छोड़ दिए ना तो बस उसको बेच के जितना पैसा आएगा उससे कस्टम वाले बस अपनी संतुष्टि कर लेंगे, फिर और नहीं मांगेंगे। मतलब यह है कि जैसे हमने जो माल मंगाया उसका टैक्स कितना बन रहा था, 40 लाख, हमने माल ही छोड़ दिया, कहा रख लो हम माल नहीं छुड़ाएंगे, और उस माल बेच के सिर्फ 30 लाख रुपया है, तो 30 लाख में संतुष्टि करनी पड़ेगी कस्टम वालों को। अब ये नहीं आपसे कहेंगे माल भी छोड़ दो, 10 लाख रुपया और लाओ। बात समझ में आ गई कि अगर आपने माल छोड़ दिया तो आपका काम हो गया फिर, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं माली। आइए आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताते हैं। कितने लोगों ने मूवी देखी है बदमाश कंपनी, कितने लोगों ने देख रखी है बदमाश कंपनी, एक मूवी आई थी शाहिद कपूर की, देखी है? अच्छा, बहुतों ने देख रखी है, बहुतों ने नहीं देख रखी है, नियरली 50-50 का रेशियो चल रहा है। बदमाश कंपनी शाहिद कपूर की एक मूवी थी, थोड़ा सा हम इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा कस्टम लॉ के हिसाब से शाहिद कपूर कितना बड़ा गेम खेल रहा था। बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी होगी तो उसमें बस प्यार मोहब्बत देख के उसको एंजॉय किया होगा, लेकिन आज आपको रियल में समझ में आएगा कि कस्टम्स की कितनी बड़ी बात उस मूवी में दिखाई गई है। चलिए आपको बताते हैं क्या होता है, हम उसमें से बाकी प्यार मोहब्बत को काट दे रहे हैं, सिर्फ जो कस्टम से रिलेटेड बात थी उस मूवी की वो आपको बताते हैं। शाहिद कपूर विदेशी सप्लायर से जूते मंगवाता है इंडिया में, ठीक है। क्या खरीदता था शाहिद कपूर, शूज परचेज करता था फ्रॉम अ फॉरेन सप्लायर, ठीक है। अब कितने रुपए का था ये सब मुझे याद नहीं है, तो हम एक डमी फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए वो शूज खरीद रहा था 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, विदेश से वो 1 करोड़ रुपए के जूते इंपोर्ट कर रहा था। उसने सप्लायर को बोला कि लेफ्ट लेग के जो शूज हैं इसको तुम अलग पैक कर दो, सारा एक अलग डब्बे में पैक कर दो और उसको कहीं और पोर्ट पे भेज दो, जैसे इसको गोवा पोर्ट पे भेज दो, ठीक है, और राइट लेग के जो शूज हैं इसको अलग पूरा पैक कर दो, ठीक है,
और उसको दूसरे पोर्ट पे किसी भेज दो, अलग पोर्ट पे भेज दो, अलग अलग पोर्ट पे आधे आधे जूते उसने मंगवा लिए, लेफ्ट लेग के शूज अलग, राइट लेग के शूज अलग। अब बेसिकली अगर 1 करोड़ रुपए का पूरा जूता है तो हम यही ना कहेंगे 50 लाख का ये हो गया माल और 50 लाख का ये हो गया माल, ठीक है। अब जब अलग अलग पोर्ट पे वो दोनों जूते आ जाते हैं तब क्या होता है, शाहिद कपूर अपने 2 आदमियों को यहां भेजता है, 2 लोगों को यहां भेजेगा और 2 लोगों को यहां भेज देता है, ठीक है। अब वो लोग वहां पे जाते हैं, ठीक है, आपको मालूम है ना कि वहां जाते हैं और फिर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल किया जाता है माल छुड़ाने के लिए, तो वो लोग वहां जाते हैं, लेकिन बिल ऑफ एंट्री होम कंजप्शन फाइल करने से पहले आपको अपना माल दिखाया जाता है, पहले हम अपना माल देखते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है, तब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करते हैं, टैक्स जमा करते हैं, माल छुड़ाते हैं, पहले हम अपना माल देखते हैं जाके कि सब सही है कि नहीं है। तो वो दोनों आदमी जाते हैं, लेफ्ट और शूज के पैकेट खोलते हैं और कहते हैं सारे के सारे लेफ्ट लेग के शूज, हाय तौबा हम तो बर्बाद हो गए, ये विदेशी सप्लायर ने क्या किया, मुझे तो लूट लिया, बर्बाद कर दिया, 50 लाख रुपए में सिर्फ लेफ्ट लेग के शूज दे दिए, ठीक है। अब वो दोनों कस्टम ऑफिसर को बोलते हैं कि मुझे ये जूते नहीं चाहिए, रख लो अपने पास, ठीक है। वैसे ही 2 आदमी दूसरे पोर्ट पे पहुंचे हैं, एक गोवा पोर्ट है तो एक कोई और पोर्ट होगा, ठीक है, वहां पे पहुंचे हैं 2 आदमी और वहां पे भी कह रहे हैं अरे ये सारे के सारे राइट लेग के शूज बर्बाद हो गए एकदम से, ये क्या कर दिया सप्लायर ने, ठीक है, ऐसी ऐसी बात कहते हैं, कहते हैं कस्टम वालों के अपने पास ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं छुड़वाना। छुड़वा के करेंगे क्या, 1 करोड़ का जूता है, अगर टैक्सेस पे करेंगे तो पता है कितने टैक्स लग जाएंगे, मोटा मोटी मान लीजिए 40 लाख रुपए टैक्स लग जाएगा, ठीक है। और वो कहते हैं 40 लाख रुपए में बिकेगा कहां, ठीक है, मतलब 20 लाख रुपए यहां टैक्स लगेगा, 20 लाख रुपए यहां टैक्स लगेगा, इतने में तो जूते बिकेंगे नहीं, कोई खरीदेगा क्या, सिर्फ एक पैर के जूते कोई खरीदेगा, या हम किसी को 2 दाहिने पैर के जूते दे दिए, चलो कहीं लेफ्ट वाला नहीं है, दोनों राइट लेग के ले लो, कोई लेगा ही नहीं। तो वही शाहिद कपूर के आदमी कहते हैं कि अरे बर्बाद हो गए, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप मना कर देते हो लेने के लिए जूते, तो क्या करते हैं कस्टम वाले, और अगर 30 दिन तक नहीं गए होते ना तो भी वो लोग क्या करते, बेच देते जूते, ठीक है। वो 30 दिन तक यहां पे, वो 30 दिन तक रुका नहीं था, शाहिद कपूर पहले ही भेज दिया था अपने आदमियों को कि मुझे लेना ही नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद ऑक्शन कराया जाता है, ऑक्शन का मतलब कस्टम वाले लोगों को बुलाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि हम लोग को कुछ माल बेचना है, तो कुछ लोग आते हैं ऐसे जैसे क्लासरूम में आप लोग बैठे हो, ऐसे ही ऑक्शन होता है। अब बोला जाता है कि 50 लाख रुपए की कीमत के सिर्फ लेफ्ट लेग के शूज है, बताइए कितने का। तो शाहिद कपूर अपने 2 आदमियों को इसमें भी भेजा है, भेज बदल बदल के, ठीक है। तो वो 2 आदमी जो है वो अपना कीमत लगाते हैं, बोलते हैं 10,000। 50 लाख रुपए का जूता है, कितनी कीमत लगा रहे हैं, 10,000। दूसरी कोई बोली उठती नहीं है, 10,000 रुपया भी वो जो दे रहा है कौन ज्यादा देगा इसका। सोचिए सिर्फ लेफ्ट लेग के शूज है, कोई 54 भी पे करेगा, नहीं बिकेगा ही नहीं। तो वो 10,000 रुपए कीमत लगाता है और ऑक्शन कराने वाले बोलते हैं 10,001, 10,002, 10,003, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, 10,000 रुपए में डन। 10,000 रुपए में वो जूते लेके निकल गया यहां से। अब राइट लेग दूसरे वाले पोर्ट पे भी ऑक्शन हो रहा है, वहां भी शाहिद कपूर ने अपने 2 आदमियों को भेजा है भेस वेस बदल के, ठीक है। वो लोग भी ऑक्शन में क्या करते हैं, बोली लगाते हैं, 10,000 रुपए में सारे जूते खाली करा लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। 10,000 रुपए में जूते वहां से मिल गए, 10,000 रुपए में जूते यहां से मिल गए, 20,000 रुपए में सारे जूते बाहर कस्टम ऑफिस के। जरा सोचिए अगर ईमानदारी से शाहिद कपूर ने टैक्स दिया होता तो कितना लग जाता, 40 लाख रुपया, 20,000 रुपया में काम हो गया शाहिद कपूर का, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि शाहिद कपूर ने कस्टम लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और आप भी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ऐसे फायदे बना सकते हो, ठीक है। तो ये मूवी सिर्फ आपको इसलिए समझाई ताकि आपको याद आ जाए और आप रिलेट कर पाओ, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि 30 दिनों के बाद कस्टम क्या करता है, आपके माल की नीलामी कर देता है, और अगर आप खुद भी चाहें तो जाके मना कर सकते हैं कि मुझे ये माल नहीं चाहिए, वो आपके माल की नीलामी करा देगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए कस्टम ऑफिस को कितना मिला, 10,000 यहां मिला, 10,000 यहां, यानी टोटल 20,000 रुपया मिला, उसका टैक्स कितना बन रहा था, 40 लाख रुपया। क्या वो शाहिद कपूर को कहेगा बैलेंस टैक्स और दो, नहीं, अरे शाहिद कपूर ने अपना पूरा माल दे दिया, आप क्या जान लोगे बच्चे की, कस्टम ऑफिस वाले टैक्स लेंगे, माल उसने तो पूरा माल ही छोड़ दिया, कहा सब कुछ तुम ही ले लो, अब इससे ज्यादा तो ले नहीं सकता कस्टम ऑफिस, तो काम उसका 20,000 रुपए में बन गया, ठीक है। इस 20,000 में से क्या हुआ होगा, पहले कस्टोडियन अपने ड्यूज लिया होगा, फिर उसके बाद बैग की पैसा कस्टम ड्यूटी में चला गया होगा, अगर कुछ बचता है तो फिर क्लाइंट को मिलता है, यहां तो नौबत ही नहीं आई।
सबको समझ में आ गई बात? आइए अब आगे देखते हैं, क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस फॉर होम कंजप्शन। माल कहां चला गया है मेरा? कस्टम के गोदाम में। अब हमको वहां से उठा के होम कंजप्शन के लिए क्लियर करना है, ठीक है। हम अपना माल जब कस्टोडियन के पास था ना, तो वहां से कहां ले गए थे? उस माल को हम ले गए थे वेयरहाउस में, ठीक है। और अब आज हम कुछ दिन बाद वेयरहाउस से माल छुड़ाने आ रहे हैं। देखिए कैसे छुड़ाएंगे। इंपोर्टर फिर से फाइल करेगा बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। कौन से कलर की? ग्रीन कलर की, ठीक है। क्या होता है इसमें? इसमें वही सब होता है, आइटम, एसेसेबल वैल्यू, रेट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, उससे ड्यूटी निकल जाती है। ये फाइल करेगा प्रॉपर ऑफिसर को। क्या साथ में वो बिल ऑफ लेडिंग भी देगा? नहीं बच्चों, जब वेयर हाउसिंग के लिए उसने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल किया था ना, तो बिल ऑफ लेडिंग दे चुका था, तो इसके साथ बिल ऑफ लेडिंग फाइल करना नहीं है, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? उस पर असेसमेंट करेगा। असेसमेंट करने का मतलब होता है ठप्पा मारेगा, साइन करेगा और इंपोर्टर को पकड़ा देगा, ठीक है। अब इंपोर्टर क्या करेगा? उसको लेके चला जाएगा डेजिग्नेटेड बैंक में और पैसा जमा कर देगा। पैसा जमा कर देगा तो उसकी एक एक्नॉलेज्ड कॉपी मिलेगी, उसको लेके आएगा और प्रॉपर ऑफिसर को दे देगा, लीजिए साहब ये मैंने टैक्स जमा कर दिया। प्रॉपर ऑफिसर उसको फिर से क्लियरेंस ऑर्डर देगा। इस क्लियरेंस ऑर्डर का मतलब होगा आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर। पहले जो क्लियरेंस ऑर्डर मिला था वो वेयर हाउसिंग ऑर्डर था, अब ये कौन सा मिल रहा है? आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, की आपकी लाइबिलिटीज खत्म है, ठीक है। इस आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर को लेके क्या वो कस्टोडियन के पास जाएगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, कस्टोडियन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसका माल कहां है? वेयर हाउस में। वो वेयर हाउस कीपर के पास जाएगा, कहेगा मुझे मेरा माल दे दो। वेयर हाउस कीपर कहेगा कि मुझे मेरा किराया दे दो और कोई और डिलीवरी वगैरह से रिलेटेड उसने काम करवाया है, जैसे माल वगैरह लोड करवाया है उसने, तो उसके चार्जेस ले लेगा। तो वेयर हाउस कीपर अपने चार्जेस लेगा, बेसिकली वेयर हाउस किराया होता है वो ले लेगा और आपको आपका माल दे देगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए वेयर हाउस से कितने समय में छुड़ाना होता है? वेयर हाउस से में आप लंबे समय के लिए भी माल रख सकते हो। कुछ माल के लिए साल भर का लिमिट है, कुछ माल के लिए 3 साल की भी लिमिट है, अरे कुछ माल के लिए तो 5-5 साल की लिमिट है। मतलब कस्टम के पास आप 5 साल के लिए भी माल छोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आप कस्टम से माल छुड़वाने गए हो 8 महीने बाद, तो क्या आपसे वो 8 महीने का किराया लेगा? नहीं, 1 ही महीने का, क्योंकि किराया आप हर महीने जाके देते रहते थे, ठीक है। ये नहीं कि वेयर हाउस में मेरा माल पड़ा हुआ है, किराया हम जब निकालेंगे तब देंगे, ऐसा नहीं होता। किराया आपको देते रहना पड़ता है, नहीं किराया दोगे तो निकाल के माल बाहर फेंक देगा सड़क पे, ठीक है। तो समय समय पे जाके आपको किराया देते रहना पड़ेगा। तो बेसिकली जो लास्ट किराया होता है ना, जब हम छुड़वाने जाते हैं तो जो आखिरी महीने का किराया होता है वो देते हैं, माल छुड़ाते हैं, बाहर कर लेते हैं, ठीक है। कोई तकलीफ यहां पे? तो वेयर हाउस का समय कितना होता है? अगर हम ऐसे पूछें तो आप कहिएगा बहुत लंबा समय होता है सर। अगर हम कहेंगे कस्टोडियन के पास कितने दिन रह सकता है, तो आप कहिएगा सर बस 5 दिन, नहीं तो डेमरेज लग जाएगा, ठीक है। और वैसे तो 5 दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अगले दिन आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना होता है, तो मैक्सिमम 1 ही दिन रहना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसकी भी एक पेनाल्टी है बिल ऑफ एंट्री अगले दिन ना फाइल करने की। अच्छा ज्यादा से ज्यादा कितने दिन में बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे? 30 दिन, ठीक है। वो इसलिए फाइल करोगे 30 दिन के अंदर क्योंकि 30 दिन के बाद वो लोग बेच सकते हैं आपका माल, नीलाम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं है कि 30 दिन अगर हो गया है तो 31वें दिन तुरंत सीधे नीलामी हो जाता है, मतलब नीलाम हो जाने का डर है आपके मन में, ठीक है। जैसे 30 दिन अगर हो गया है ना तो किसी भी दिन एकाएक नीलामी हो सकती है, तो ध्यान रखना कि आप पहुंचो, हो सकता है आप पहुंचो वहां कि अपना माल छुड़ाएंगे, तब तक में वो नीलाम हो चुका है। तो एक डर हमारे मन में हमेशा होता है 30 दिन अगर हो चुका है तो कि मेरा माल कभी भी नीलाम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है सबको? इफ गुड्स आर नॉट क्लियर विद इन परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग देन प्रॉपर ऑफिसर हैज द पावर टू सेल ऑफ द गुड्स। अगर वेयर हाउसिंग में भी जो समय आपको दिया गया है उतने में आप माल नहीं छुड़ाओगे तो आपके माल को बेचा जा सकता है, ठीक है। हालांकि यहां पर समय बहुत लंबा है, ठीक है, साल साल भर है, 3-3 साल है, 5-5 साल भी है, राइट।
अब आइए एक बात आपको समझाते हैं। आपने ये सारी चीज यहां तक पढ़ी, अब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा जो हम आपसे लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इसकी टैक्सेबल इवेंट की। अगर हम इमीडिएट रिमूवल करते हैं फॉर होम कंजप्शन, तो ऐसे केस में रेट ऑफ ड्यूटी कौन से दिन की लगती है? बहुत ध्यान से, जिस दिन आप फाइल करते हो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, जिस दिन आप फाइल करते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन व्हाइट कलर वाली, या फिर एंट्री इनवर्ट परमिशन विच एवर इज लेटर। ज्यादातर केसेस में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, आईजीएम पेश किया किसने, आईजीएम पेश किया पर्सन इंचार्ज ने, तो उसे क्या मिला आईजीएम पेश करते ही, एंट्री इनवर्ट की परमिशन मिल गई। एंट्री इनवर्ट की परमिशन मिल गई तो वो लाके सिप को कहां खड़ा कर दिया, पोर्ट पे, ठीक है। उसने पोर्ट पे सिप को खड़ा कर दिया, माल उतरता है कस्टोडियन के पास चला जाता है, फिर इंपोर्टर फाइल करता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। यानी देर में क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। लेकिन हमने आपको बताया था ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है कि इंपोर्टर क्या करता है, बेसिकली पर्सन इंचार्ज क्या करता है कि आईजीएम पेश कर देता है, ठीक है। आईजीएम पेश उसने कर दिया, उसको एंट्री इनवर्ट परमिशन नहीं मिली, लेकिन उसने आईजीएम तो पेश कर दिया पर्सन इंचार्ज ने, लेकिन एंट्री इनवर्ट परमिशन नहीं मिली, क्यों, क्योंकि पोर्ट पे सिप लगाने की जगह ही नहीं है, ठीक है। तो तब तक भी इंपोर्टर क्या करता है, इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल कर देता है, ठीक है। वो असेसमेंट वगैरह करा लेता है, टैक्सेस वगैरह जमा कर देता है, बस इसलिए ताकि जैसे ही सिप पोर्ट पे आए वो तुरंत माल लेके निकल ले। तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन पहले फाइल हो गई, एंट्री इनवर्ट की परमिशन बाद में मिली, ऐसा होता है। तो ऐसे केस में एंट्री इनवर्ट परमिशन जिस दिन की होती है रेट ऑफ ड्यूटी उस दिन का लिया जाता है। यह सब तब पढ़ने की जरूरत है जब रेट ऑफ ड्यूटी बार बार बदल रही है। अगर रेट ऑफ ड्यूटी सेम कॉन्स्टेंट चल रही है तब तो हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कौन से दिन की रेट ऑफ ड्यूटी है। लेकिन अगर रेट ऑफ ड्यूटी बदल रही है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन और एंट्री इनवर्ट परमिशन विच एवर इज लेटर, ठीक है। क्या एंट्री इनवर्ट परमिशन लेटर हो सकती है, एंट्री इनवर्ट ही बाद में मिला है? हाँ, होता क्या है कि पर्सन इंचार्ज ने आईजीएम पेश किया, आईजीएम पेश करते ही एंट्री इनवर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल इंपोर्टर ने कर दिया, एंट्री इनवर्ट की परमिशन अभी मिली नहीं है, क्यों, क्योंकि जगह ही नहीं है पोर्ट पे, एंट्री इनवर्ट की परमिशन बहुत बाद में जाके मिली। तो उस दिन का जो रेट होता है उस रेट ऑफ ड्यूटी पे कंप्यूटेशन की जाती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर उसने तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन पहले ही फाइल कर दिया है, टैक्सेस वगैरह पहले ही पे कर दिया है। हाँ बच्चों, लेकिन अब जिस दिन वो क्या करेगा, एंट्री इनवर्ट परमिशन मिलेगी, उस दिन अगर रेट बदल गया है तो डिफरेंशियल टैक्स भी उसको देना पड़ेगा, ठीक है। यानी रेट अल्टीमेटली एप्लीकेबल कौन सा हो गया, बिल ऑफ एंट्री इनवर्ट परमिशन वाले दिन का। एक्सचेंज रेट, भाई माल अगर विदेश से आ रहा है तो हो सकता है फॉरेन करेंसी में आ रहा है, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट कौन से दिन के लेंगे, वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन वाले दिन का ही लेंगे। अगर वेयर हाउसिंग के लिए गुड्स जा रहा है तो रेट ऑफ ड्यूटी कौन से दिन की है, रेट ऑफ ड्यूटी है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन वाली, ना कि बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग वाले दिन का, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन वाले दिन का, ठीक है। अब आपको याद दिलाए हम कि जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल किए थे उस दिन भी आपने क्या किया था, एसेसेबल वैल्यू रेट ऑफ ड्यूटी लगा के अमाउंट कंप्यूट किया था और डबल द अमाउंट का आपने गारंटी दिया था। पता है डबल द अमाउंट का गारंटी क्यों लिया गया है, वो इसलिए लिया गया है क्योंकि रेट एप्लीकेबल उस दिन का तो है नहीं जिस दिन वेयर हाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल की है। रेट एप्लीकेबल तो वो होगा जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइनली वेयर हाउस से क्लियर कराने के लिए फाइल करोगे। तो बाद में कहीं रेट बढ़ गया तो इसलिए जब आपसे बॉन्ड लिया गया था ना वो डबल अमाउंट का ले लिया गया था कि कितना रेट बढ़ जाएगा, अरे बहुत हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वहां तक का बॉन्ड तो लिया हुआ है, इसीलिए गारंटी ज्यादा अमाउंट की ली गई थी। क्योंकि रेट एप्लीकेबल जो है वो फाइनली जिस दिन आप वेयर हाउस से क्लियर कराएंगे माल, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल करेंगे, उस दिन का रेट लगाना है,
ठीक है, और एक्सचेंज रेट कौन से दिन का होगा, जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करते हैं। आइए बच्चों, अब मेरे साथ साथ बोलिए, अगर हम इमीडिएट क्लियर करा रहे हैं गुड्स को तो रेट कौन से दिन का, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, एंट्री इनवर्ड परमिशन, विच एवर इज लेटर। एक्सचेंज रेट किस दिन का, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। अगर हम वेयर हाउसिंग के लिए गुड्स को ले जा रहे हो वहां से क्लियर कराएंगे तो रेट कौन से दिन का, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, कौन सी, ग्रीन कलर वाली, मतलब फाइनली जो दूसरी वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई आपकी, क्योंकि पहली वाली वेयर हाउसिंग फाइल हुई होगी, दूसरी वाली होम कंजप्शन फाइल हुई, दूसरी वाली जो बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है उस दिन की। एक्सचेंज रेट, पहली वाली जो बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई थी उस दिन की, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग वाली। अब बताइए टैक्सेबल इवेंट पूरी तरीके से क्लियर है कि नहीं है। ट्रांजिट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे माल की ट्रांजिट करानी है, ठीक है। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, इन द सेम व्हीकल, और ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या होता है, इन अनदर वेसल और व्हीकल, राइट। तो अगर मान लीजिए ट्रांजिट का केस होता है तो पर्सन इंचार्ज जो है वो दो दो आईजीएम पेश करेगा, आईजीएम वन और आईजीएम टू। पर्सन इंचार्ज, पहले उतना प्रोसेस तो हम लोग समझ ही चुके हैं ना कि पहले वो आएगा बर्थिंग एरिया पे सिप को लगाएगा, लगाने के बाद वो क्या करेगा, समुद्र में कूदेगा, छपाक छपाक करते हुए प्रॉपर ऑफिसर के पास पहुंचेगा और आईजीएम पेश करेगा। यहां पर आईजीएम कितने पेश करेगा, दो आईजीएम पेश करेगा। एक आईजीएम में वो माल जो उतार देना है उसे लिखा जाएगा, गुड्स टू बी अनलोडेड लिखा जाएगा, दूसरे आईजीएम में जो गुड्स ट्रांजिट में है आगे जाएगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद उसको दो दो परमिशन भी मिलती है, ठीक है। एक मिलती है परमिशन एंट्री इनवर्ड वाली, एंट्री इनवर्ड परमिशन मिलती है गुड्स को, एंट्री इनवर्ट का मतलब क्या होता है, पोर्ट पे लगाइए और माल उतरवाइए, ठीक है, तो वो मिल जाएगी। और साथ ही एक और परमिशन भी उसको मिल जाएगी, डिपार्चर परमिशन। डिपार्चर परमिशन क्यों मिली हुई है, दो आईजीएम पेश किया था ना, तो एक आईजीएम का माल उतारना है तो एक आईजीएम के रिस्पेक्ट में एंट्री इनवर्ट मिल गया और दूसरे आईजीएम के रिस्पेक्ट में परमिशन मिल गई डिपार्चर की कि आप ये माल लेके जा सकते हैं। रिपीट करें अपनी बात, अगर हम माल को उतारेंगे भी और आगे भी लेके जाएंगे, कुछ माल उतार देंगे कुछ माल आगे लेके जाएंगे, तो हम दो आईजीएम पेश करेंगे, एक आईजीएम में लिखा होगा माल उतारेंगे, दूसरे आईजीएम में लिखा होगा ये माल हम आगे लेके जाएंगे, तो जो माल हम उतारेंगे उसके रिस्पेक्ट में हमको एंट्री इनवर्ट की परमिशन मिल गई कि आइए पोर्ट पे लगाइए गाड़ी और माल उतरवाइए। दूसरे आईजीएम के रिस्पेक्ट में हमको क्या मिला परमिशन कि ये लीजिए ये माल लेके आगे बढ़िए आप, ठीक है। तो बस हम क्या करेंगे, बिना इंपोर्ट ड्यूटी पे किए किस पे, जो आगे ले जाना है माल, हम उस माल को आगे ले जाएंगे, ठीक है। और दूसरे पोर्ट पे आ गए अब हम, पहले ये सब कहानी गुजरात पोर्ट पे चल रही थी, अब ये लेके हम दूसरे पोर्ट पे आ गए, मुंबई पोर्ट पे, ठीक है। ये मुंबई पोर्ट भी हो सकता है और इंटरनेशनल कोई दूसरा पोर्ट भी हो सकता है, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं लेके, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी ड्यूटी आईजीएम टू वाली जो ड्यूटी है ये अभी हमको पे नहीं करनी है, वो जब हम दूसरे पोर्ट पे जाएंगे तो वहां पे करेंगे। कोई दिक्कत किसी को, तो बस इसमें सिंपल यही बताना था कि अगर माल आगे भी जाता है तो दो दो आईजीएम पेश होता है, बस ये बात, ठीक है। एक आईजीएम के रिस्पेक्ट में ड्यूटी पे होगी, इंपोर्टर आएगा माल छोड़ा के ले जाएगा टैक्सेस वगैरह पे करके, और दूसरे वाले आईजीएम का माल छोड़ दिया जाता है बिना टैक्सेस के, वो आगे बढ़ जाता है दूसरे पोर्ट के लिए। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, ये भी एकदम सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा विशेष जोर नहीं लगाना है। पर्सन इंचार्ज दो आईजीएम पेश करेगा, पहला स्टेप ये आईजीएम वन और आईजीएम टू।
एक आईजीएम में लिखा होगा कि मुझे माल उतारना है, दूसरे आईजीएम में क्या लिखा होगा, माल को उतार के हमको दूसरे शिप में लोड कराना है। ठीक है, तो एक आईजीएम के रिस्पेक्ट में आपको मिल जाता है अनलोडिंग ऑर्डर, नहीं ऐसे समझ लेते हैं, देखिए दोनों ही माल को आपको अनलोड तो कराना ही है, तो आपको परमिशन जो मिलती है वो अनलोडिंग परमिशन मिलती है। ठीक है, एक आप अनलोड करा, अनलोडिंग परमिशन मिलती है, तो एक तो आप कुछ माल पोर्ट पे अनलोड करा देते हो, और कुछ माल कहां पे अनलोड करवाते हो, दूसरी शिप में अनलोड करवाते हो। फिर से रिपीट करते हैं, अगर आपका माल ट्रांसशिपमेंट होना है, दूसरी शिप से जाना है, तो आप आईजीएम वन पेश करोगे, आईजीएम टू पेश करोगे, दोनों के लिए जो आपको ऑर्डर मिलेगा वो होगा अनलोडिंग ऑर्डर। भाई माल तो उतारना ही है, कुछ पोर्ट पे उतार देना है, कुछ छोटी शिप पे उतार देना है, तो दोनों के लिए आपको मिलेगा जो ऑर्डर वो होगा अनलोडिंग ऑर्डर। ठीक है, एंट्री इनवर्ड अनलोडिंग ऑर्डर। कुछ माल आप पोर्ट पे उतार देंगे, ये रहा 3A, कुछ माल आप दूसरी शिप में उतार देंगे, और जो दूसरी शिप में माल उतारेंगे वो माल चला जाएगा दूसरे पोर्ट पे। ये पोर्ट हमारे देश का कोई दूसरा पोर्ट हो सकता है, विदेश का कोई दूसरा पोर्ट हो सकता है, कहीं भी अब ये माल चला जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ट्रांसिट और ट्रांसशिपमेंट के केस में दो दो आईजीएम फाइल होती है, एक बेसिकली होता है जो माल उतरना है उसका, और एक माल जो उतर के दूसरी जगह जाना है या फिर बिना उतरे दूसरी जगह जाना है उसका एक अलग आईजीएम पेश होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? तो ये था पूरे इंपोर्ट का प्रोसीजर, और इसको समझने के बाद अब ये पोजीशन होनी चाहिए कि पूरा इंपोर्ट हमें बहुत क्लियरली दिखना चाहिए, बहुत क्लियरली विजिबल होना चाहिए, हमको खुद ऐसा लगना चाहिए कि अगर हमें भी इंपोर्ट करना हो ना, कुछ माल विदेश से मंगाना हो, तो हम कर लेंगे ये काम। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ये जो बिल ऑफ एंट्री होती है कौन सी, या तो होम कंजप्शन वाली या फिर वेयर हाउसिंग वाली, ये कब तक फाइल करनी चाहिए बच्चों? देखो करनी तो चाहिए अगले दिन, कब करनी चाहिए, अगले दिन कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी याद रखो 30 दिनों के अंदर तो हर हाल में कर लेना, वो इसलिए क्योंकि अगर 30 दिनों के अंदर नहीं करोगे तो तुम्हारा माल क्या होगा, कस्टम के द्वारा ऑक्शन करा दिया जाएगा। The importer shall have presented the bill of entry under section 46(1) of the Custom Act 1962 before the end of the next day. Before the end of the next day, मतलब अगले दिन के अंत तक bill of entry file हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी समस्या है ना कि अगर नहीं file करोगे जल्दी से तो एक तो bill of entry for home consumption file न करने के लिए penalize कर दिया जाएगा, और अगर कहीं 5 दिन से भी ज्यादा delay हो गया तो demurrage अलग लग जाएगा। ठीक है, तो अगले दिन के अंत तक फाइल हो जाना चाहिए बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, ये बात याद रखेंगे आप कि बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन के लिए हम पूछेंगे डेट क्या होती है तो बोलेंगे बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे। ठीक है, फॉलोइंग द डे एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, फॉलोइंग द डे एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, इसका मतलब ये है कि संडे को तो ऑफ है मान लीजिए। ठीक है, तो सैटरडे को अगर माल आपका आया है तो आप मंडे के एंड तक आप क्या कर सकते हो, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे मंडे को अगर माल आया है तो बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करनी है, ट्यूसडे के अंत तक, मंडे का ट्यूसडे को, लेकिन सैटरडे को माल आया तो मंडे के अंत तक, एज बिकॉज संडे इज एन ऑफ, राइट। फॉलोइंग द डे एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज ऑन विच द एयरक्राफ्ट ऑफ वेसल ऑफ व्हीकल कैरिंग द गुड्स अराइव्स एट द कस्टम स्टेशन एट विच सच गुड्स आर टू बी क्लियर फॉर होम कंजप्शन ऑफ अवर वेयर हाउसिंग, कह रहा है जिस दिन माल आया है और माल जो क्लियर होना है होम कंजप्शन के लिए या फिर वेयर हाउसिंग के लिए, provided that a bill of entry may be presented within 30 days, 30 दिन का भी समय मिल जाएगा। ठीक है, for the expected arrival of the aircraft, vessel or vehicle by which the goods have been shipped for importation into India, provided further that the bill of entry is not presented within the time so specified and the proper officer is satisfied that there was no sufficient cause for such delay, the importer shall pay such charges for the late presentation of bill of entry as may be prescribed. अगर वो एक दिन के बाद फाइल करेगा तो लेट प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल ऑफ एंट्री के लिए उसको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम रिपीट करें, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन कब फाइल करनी है, अगले दिन तक, अगर नहीं फाइल की अगले दिन तक तो प्रॉपर ऑफिसर आपसे लेट प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री का चार्जेस ले सकता है,
और 30 दिनों के अंदर तो हर हाल में कर लेना, क्योंकि फिर तो लेट चार्जेस देने से भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारा माल ही बेच दिया जाएगा कस्टम के द्वारा, ठीक है। तो अगले दिन जमा कर देना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भी 30 दिन तक का ही समय है। क्लियर सबको? बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होती है बीसीडी, जिसके लिए हमने आपको डेट बताया था कि किस दिन की ये एप्लीकेबल होती है, वही बात यहां पे लिखी हुई है। जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री सबमिट करते हो या फिर जिस दिन एंट्री इनवर्ट की परमिशन मिलती है, विच एवर इज लेटर, ठीक है। ये हमने पढ़ा दिया है तो इसकी जरूरत नहीं है अब आपको, ठीक है, कि बीसीडी कौन सी डेट की लगती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, उस दिन की लगती है जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल किया गया है, या फिर एंट्री इनवर्ट की परमिशन मिली है, विच एवर इज लेटर, ठीक है। एक्सचेंज रेट कौन से दिन का एप्लीकेबल होता है, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन आपने फाइल किया। अगर एक ही रेट चल रहा है तब तो कोई टेंशन ही नहीं ना है, अगर रेट चेंज हो रहे हैं तब इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि किस दिन का एक्सचेंज रेट लेना है। तो एक्सचेंज रेट उस दिन का होगा जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन अपनी फाइल की है। अच्छा, ये जो बिल ऑफ एंट्री, इसके बाद जो हम लोग हेडिंग देख रहे हैं क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजप्शन के लिए, बिल ऑफ एंट्री जब आप फाइल करते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, उसकी असेसमेंट करके ठपका मार के साइन करके आपको दे देता है। आपको बैंक जाके पैसे जमा कराने हैं, किस दिन जमा कराने हैं बैंक जाके पैसे, आइए पढ़ सकते हैं किस दिन जमा करने हैं। The importer fails to pay the import duty on under this section on the same day in case of self-assessed bill of entry and in the case of reassessment of provisional assessment within one day after the return of bill of entry from the date on which the bill of entry is returned to him for payment of duty, he shall pay interest at the rate of 15% per annum. जिस दिन आपकी assessment हुई है उसी दिन जाके बैंक में पैसा जमा करना है। कस्टम ऑफिसर ने ठप्पा लगा के साइन किया, जिस दिन साइन किया उसी दिन जाके जमा करना है। और अगर रीअसेसमेंट हुआ है, यानी मान लीजिए कि जब आपने जमा किया था, ठीक है, तो उसको कुछ करेक्शन मिल गई थी, तो उसने फिर से आपको कहा बिल ऑफ एंट्री आप सही से जमा कीजिए, तो करेक्शन वाला अगर बिल ऑफ एंट्री था जिसकी रीअसेसमेंट की गई है, तो ऐसे केस में अगले दिन आप जमा कर सकते हैं। और नहीं तो अगर एक बार में असेसमेंट हो गई थी तो आपको उसी दिन जमा करना पड़ेगा, और अगर आपने डिले किया तो 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। दो दिन का डिले होता है जमा करने में तो दो दिन का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, मतलब अमाउंट इंटू 15% इंटू 2/365, दो दिन का डिले हुआ है तो दो ही दिन का इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि बेसिकली जिस दिन असेसमेंट होता है उसी दिन हमको जाके टैक्सेस बैंक में जमा कर देना होता है डेजिग्नेटेड बैंक में, अगर हमने जमा नहीं किया तो 15% पर इनम के हिसाब से हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर सीबीएसई चाहे, अगर उसे लगता है कि इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, तो सीबीएसई वेव भी कर सकती है, इंटरेस्ट वेवर भी मिल जाता है कि आपको इंटरेस्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आइए इलस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आंसर को नहीं देखेंगे, आंसर ऑल तो नीचे दिया हुआ है, लेकिन आप आंसर देखें ना, ठीक है, और मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इलस्ट्रेशन वन पढ़िए, एन इंपोर्टर इंपोर्टेड सम गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट सेल इन इंडिया एट $10,000, परचेज हो रहा है $10,000 पे ऑन एसेसिबल वैल्यू बेसिस, रेलेवेंट एक्सचेंज रेट एंड रेट ऑफ ड्यूटी आर एज फॉलोस। आपको एक्सचेंज रेट और रेट ऑफ ड्यूटी दी हुई है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सचेंज रेट लगेगा और कौन सी रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी, ठीक है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री दिया हुआ है, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड टू द वेसल। बिल ऑफ एंट्री सबमिट हुआ है 25 फरवरी को, और एंट्री इनवर्ड की परमिशन मिली है 5 मार्च को। एंट्री इनवर्ड देर में हुआ है, ठीक है, एंट्री इनवर्ड की परमिशन बाद में मिली है, पहले बिल ऑफ एंट्री सबमिट हो गई थी। इसका मतलब समझ रहे हो, पोर्ट बहुत बिजी होगा, ठीक है, बर्थिंग प्लेस पे लगा के पर्सन इंचार्ज खड़ा होगा, जगह होगी ही नहीं पोर्ट पे, इसलिए एंट्री इनवर्ड की परमिशन बहुत बाद में मिली कि सिप को लगाओ। और उसके पहले तक कौन आ गया था, उसके पहले तक इंपोर्टर आके बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन वगैरह फाइल कर दिया था, ठीक है। अब आप हमको बताइए कि ऐसे केस में रेट कौन से दिन का लगता है, याद हो गया हमको बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन और एंट्री इनवर्ड परमिशन, विच एवर इज लेटर, ठीक है।
तो इन दोनों में लेटर क्या है, 5 मार्च, रेट कौन सा लगेगा 12%, ये वाला, ठीक है। एक्सचेंज रेट कौन से दिन का होता है, वो तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन वाले दिन का होता है, तो एक्सचेंज रेट ये वाला लग जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज रेट कौन से दिन का, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल होता है, और रेट कौन से दिन का, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन और एंट्री इनवर्ड परमिशन, विच एवर इज लेटर। तो दोनों में से देर क्या है, 25 फरवरी की 5 मार्च, 5 मार्च ना, तो 5 मार्च वाला रेट लगा है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए, $10,000 में 58 रुपया मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए किया हुआ है, $10,000 में 58 रुपीज मल्टीप्लाई किए तो आया 5,80,000। और कस्टम ड्यूटी कितनी बन जाएगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी 5,80,000 का 12%, यानी कि 69,600, 12% ड्यूटी बन गई ये बीसीडी। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं, आपको ये बात पता है अच्छी तरीके से, इंट्रोडक्टरी की पहली क्लास में आपने हमसे सीखा कि इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या क्या होता है, इंपोर्ट करते समय बीसीडी, ईसी, एचएसईसी, आईजीएसटी, ये सब कुछ लगता है, और कुछ और टैक्सेस भी इन्फेक्ट होते हैं, जीएसटी कंपनसेशन सेस होता है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी होता है, सेफगार्ड ड्यूटी होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है, और भी बहुत कुछ लगता है। हम लोग यहां पे सभी ड्यूटीज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बीसीडी की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। कोई तकलीफ किसी को यहां तक, बस आपको ये सीखने को मिला कि किस तरीके से हम लोग एक्सचेंज रेट अप्लाई करेंगे और किस दिन का कस्टम ड्यूटी रेट अप्लाई करेंगे। टैक्सेबल इवेंट फॉर वेयर हाउस गुड्स, फिर से पढ़ाने की आवश्यकता है या याद है आपको, याद होगा। रेट कौन से दिन का, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन आप फाइनली फाइल करते हो, ग्रीन कलर वाली। और एक्सचेंज रेट किस दिन का, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करते हो आप, येलो कलर वाली। आइए इलस्ट्रेशन 2 पढ़ लेते हैं। एन इंपोर्टर इंपोर्टेड सम गुड्स, एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड टू द वेसल ऑन 7th Feb, एंट्री इनवर्ड की परमिशन 7 फरवरी को थी, एंड द गुड्स वर क्लियर्ड फ्रॉम चेन्नई पोर्ट फॉर वेयर हाउसिंग ऑन 8th Feb, एंट्री इनवर्ड परमिशन 7 फरवरी को आई, गुड्स क्लियर किए गए वेयर हाउस के लिए 8 फरवरी को, द बिल ऑफ एंट्री वॉज प्रेजेंटेड ऑन 1st February फॉर वेयर हाउसिंग, 1 फरवरी को वेयर हाउसिंग के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल की गई थी और 8 तारीख को वो वेयर हाउस में चला गया था। एसेसेबल वैल्यू थी $10,000, एज्यूम दैट नो एडिशनल ड्यूटी इज पेबल, द गुड्स वर, यहां पर लिखा हुआ है नो एडिशनल ड्यूटी वर पेबल का मतलब है कि सिर्फ बीसीडी की बात कर रहे हैं अभी हम। द गुड्स वर वेयर हाउस एट चेन्नई एंड वर क्लियर फ्रॉम चेन्नई वेयर हाउस ऑन 4th March, गुड्स को चेन्नई में वेयर हाउस कराया गया था और चेन्नई वेयर हाउस से 4th March को गुड्स को क्लियर कराया गया है। वॉट इज द ड्यूटी पेबल वाइल रिमूविंग द गुड्स फ्रॉम चेन्नई वेयर हाउस ऑन 4th March, 4 मार्च को जब आप गुड्स को क्लियर कराएंगे चेन्नई पोर्ट से, तो उस दिन कितनी ड्यूटी देनी पड़ेगी। आपको दिया हुआ है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग 1 फरवरी, इस दिन का कुछ काम में आता है, जिस दिन आप वेयर हाउसिंग की बिल ऑफ एंट्री फाइल किए हैं उस दिन का एक्सचेंज रेट या फिर कस्टम ड्यूटी कोई चीज यूज करने वाला है। हाँ, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग जिस दिन फाइल करते हैं आप, उस दिन का क्या यूज करते हैं, एक्सचेंज रेट, ठीक है। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड टू द वेसल, एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड टू द वेसल इससे मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये वेयर हाउस वाला गुड्स है, तो यहां पे तो अब हमको क्या देखना है, डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, इस दिन का कुछ यूज करेंगे क्या, रेट, जिस दिन वेयर हाउस से माल निकलता है उस दिन का रेट यूज करते हैं, और जिस दिन वेयर हाउस के लिए हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं उस दिन का एक्सचेंज रेट यूज करते हैं, तो एक्सचेंज रेट 55 और रेट 12%, एक्सचेंज रेट 55, रेट 12%। ठीक है, तो अभी तक हम लोग टैक्सेबल इवेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स पढ़ रहे थे, अब हमको पढ़ना है टैक्सेबल इवेंट फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स, ठीक है। अच्छा, क्या एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटी लगती है बच्चों,
इंपोर्ट पे तो कई सारी ड्यूटी लगती है, बीसीडी लग जाता है, ईसी लग जाता है, एचएसईसी लग जाता है, आईजीएसटी लग जाता है, ये तो नॉर्मली लगता है, इतना तो नॉर्मली लगता है, सब पे लग जाता है। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिन पे इसके अलावा भी कुछ कुछ लग जाता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस लग जाएगा, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, बहुत कुछ और भी लगता है। जहां तक रही एक्सपोर्ट की बात बच्चों, तो टैक्सेस तो लगते ही नहीं, और अगर कहीं लग गए एक्सेप्शनली लगते हैं, बहुत कम कमोडिटीज पे लगते हैं, और कहीं अगर लग भी गए तो सिर्फ क्या लगेंगे, बीसीडी। लेकिन अगर ये बीसीडी का रेट समय समय पे परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, तो ऐसे में किस दिन का बीसीडी लगेगा ये जानना आवश्यक है। तो इसीलिए हम लोग जान रहे हैं टैक्सेबल इवेंट, एक्सपोर्टेड गुड्स के केस में किस दिन का बीसीडी रेट अप्लाई होगा। ठीक है, जिस तरीके से सिप को एक ऑर्डर मिलता है ना, एंट्री इनवर्ट परमिशन होती है, एंट्री इनवर्ट परमिशन का मतलब होता है सिप को ले आइए पोर्ट पे, ठीक है, वैसे ही एक्सपोर्ट के केस में एक परमिशन मिलती है एंट्री आउटवर्ड परमिशन। एंट्री इनवर्ड होता है ना, वैसे एंट्री आउटवर्ड परमिशन होता है। एंट्री आउटवर्ड परमिशन का मतलब होता है पोर्ट से सिप को ले जाइए, इसकी परमिशन। ठीक है, तो वहां पे देखेंगे हम लोग कुछ इस तरीके की बात पढ़ेंगे, इसलिए हमने बताया एंट्री आउटवर्ड परमिशन। एज पर सेक्शन 16(1) ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, टैक्सेबल इवेंट अराइजेस ओनली व्हेन प्रॉपर ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस, दैट इज एंट्री आउटवर्ड ग्रांटेड एंड लोडिंग ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन टुक प्लेस अंडर सेक्शन 51 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। Therefore, export duty rate prevailing as on the date of entry outward granted to the vessel by the custom officer is relevant. तो export duty के rate किस दिन का लगेगा, जिस दिन का entry outward permission grant हुआ है। Entry outward permission का मतलब क्या होता है, entry outward का permission होता है कि माल को load करिए और ship को ले जाइए। जैसे entry inward का permission का मतलब क्या होता है, entry inward का permission होता है ship को ले आइए port पे और माल unload कर दीजिए। What is entry inward? Entry inward का मतलब बस सिप को ले आइए नहीं, entry inward का मतलब होता है सिप को लाइए पोर्ट पे और माल को अनलोड कीजिए। ठीक है, entry outward का मतलब क्या होता है, entry outward का मतलब सिर्फ सिप को ले जाइए ये नहीं होता है, entry outward का मतलब होता है माल को सिप पे लोड कीजिए और ले जाइए। तो जिस दिन ये परमिशन मिलती है ना entry outward की, यानी माल को सिप पे लोड कीजिए और ले जाइए, उस दिन जो BCD का रेट होता है वही अप्लाई करता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 देखिए। अच्छा, अब एक बात समझिए, जैसे कि मान लीजिए आज पहले हमें अप्लाई करना होता है, जैसे कि हम शिपिंग बिल सबमिट करते हैं, ठीक है, कि हमको माल अब बाहर ले जाना है, तो फिर उसके बाद हमको एंट्री आउटवर्ड की परमिशन मिलती है। ठीक है, तो हमने शिपिंग बिल सबमिट किया, हमको एंट्री आउटवर्ड की आज परमिशन भी मिल गई, हमने शिपिंग बिल सबमिट किया, उसके कुछ दिन बाद हमको एंट्री आउटवर्ड की परमिशन मिल गई, लेकिन हम माल लोड करवा के माल ले जा नहीं पाए। ठीक है, अगर हम माल नहीं ले जा पाए तो अब क्या होगा, फिर से आपको शिपिंग बिल सबमिट करनी पड़ेगी, फिर आपको बताना पड़ेगा मैं माल ले जाना चाहता हूं। ऐसे समझिए, हमने 1 तारीख को शिपिंग बिल सबमिट किया, कस्टम ऑफिसर ने 4 तारीख को क्या बोला, एंट्री आउटवर्ड परमिशन ले लो, एंट्री आउटवर्ड परमिशन दे दिया, मतलब माल लोड करिए और ले जाइए। हम 4 तारीख को माल लोड नहीं कराए, 5 को भी नहीं कराए, 6 को भी नहीं कराए, अब आपको फिर से शिपिंग बिल सबमिट करनी पड़ेगी, फिर से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने फिर अगले महीने शिपिंग बिल सबमिट किया, अब फिर हमको परमिशन मिली कि आप माल को क्या कीजिए, लोड कीजिए और ले जाइए, तो हमको एंट्री आउटवर्ड की परमिशन मिली। तो अब अगले महीने जिस डेट को हमको मिली है एंट्री आउटवर्ड की परमिशन, उस दिन का रेट अप्लाई होगा। मतलब जिस ऑर्डर पे, जिस एंट्री आउटवर्ड ऑर्डर पे हमने माल को आउटवर्ड किया ही नहीं, उस वाले डेट के अब रेट से मतलब नहीं है। बेसिकली जिस ऑर्डर पे हमने सचमुच माल ले गए हैं बाहर, उस डेट के ऑर्डर से मतलब है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 देखिए। एन एसएससी सबमिटेड द शिपिंग बिल ऑन 1st January 2018, एट दैट टाइम द एक्सपोर्ट ड्यूटी वॉज नील, दैट इज ड्यूटी फ्री। शिपिंग बिल सबमिट किया 1 जनवरी को और उस दिन एक्सपोर्ट ड्यूटी नील थी। ठीक है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, एंट्री आउटवर्ड को, एंट्री आउटवर्ड परमिशन को लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर भी बोलते हैं। एंट्री आउटवर्ड हम लिख दे रहे हैं यहां, एंट्री आउटवर्ड परमिशन, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको और क्या बोला जाता है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर।
Late export order was granted on 5th January. However, due to some problem, goods could not be loaded on into SIP. ठीक है, 5 जनवरी को आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला और आपने किसी भी वजह से गुड्स को लोड नहीं किया. 25 मार्च 2018 को शिपिंग बिल वर वॉलंटरी रीसबमिटेड बाय द एसएससी. 25 जनवरी को फिर से आपने क्या किया, शिपिंग बिल सबमिट किया. क्यों? क्योंकि 5 जनवरी को आपको ऑर्डर मिला था जो कि आप माल बाहर ले जाइए, तो आप ले गए नहीं थे, तो 25 जनवरी को फिर से बिल रीसबमिट किए. The shipping bill were voluntary resubmitted by the SSC with the request to permit shipment by a different vessel. Subsequently, on 27th March 2018, late export order was granted. 27 मार्च को फिर से आपको late export order grant किया गया. However, in the meantime, the duty at the rate of 12% ad valorem was levied with effect from 1 March 2018. 1 मार्च 2018 से duty already 12% की हो चुकी है. अब लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर किस दिन मिला है? 27 मार्च को, जिस दिन 12% की ड्यूटी चल रही है. पहली बार जब लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था तो ड्यूटी कितनी थी? निल. लेकिन बाद में जब लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला तो ड्यूटी हो गई 12%. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले अब ऑर्डर से तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उस समय तो हमने एक्सपोर्ट किया ही नहीं था. तो अब मेरे ऊपर ड्यूटी कितनी लग जाएगी? 12% की ड्यूटी मेरे ऊपर लग जाएगी. ठीक है, तो 12% ड्यूटी मेरे ऊपर लगेगी. ठीक है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज किस दिन का होता है? अगर फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है तो रेट कौन से दिन का होता है? जिस दिन शिपिंग बिल होता है. जिस दिन का शिपिंग बिल होगा उस दिन का रेट लगेगा. तो हम जिस तरीके से आपको टैक्सेबल इवेंट इंपोर्टेड गुड्स का बताए थे, वैसे ही टैक्सेबल इवेंट एक्सपोर्टेड गुड्स का भी लिखवा देते हैं. टैक्सेबल इवेंट एक्सपोर्ट के केस में रेट ऑफ ड्यूटी कौन से दिन की रहेगी? डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर. ठीक है, और एक्सचेंज रेट किस दिन का? डेट ऑफ शिपिंग बिल. शिपिंग बिल आप फाइल करते हो तभी आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है. तो जिस दिन शिपिंग बिल फाइल किए थे उस दिन का एक्सचेंज रेट होगा, और जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी होगा. ठीक है, अच्छा, कौन सी वैल्यू पे ड्यूटी लगेगी? वैल्यू क्या होगा? मतलब आपने वैल्यू को हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो भाई कौन सी वैल्यू को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लोगे? एसेसिबल वैल्यू फॉर एक्सपोर्टेड गुड इज फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, दैट इज एफओबी वैल्यू. व्हाट इज एफओबी वैल्यू? हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये रहा मेरा भारत देश. ठीक है, ये रहा अमेरिका, यूएसए, ये इंडिया. ठीक है, ये रहा इंडिया का कस्टम पोर्ट. ठीक है, कस्टम पोर्ट तक माल पहुंचा देने में जितना खर्चा लगता है कुल मिला के उसे कहा जाता है एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड. फ्री ऑन बोर्ड का मतलब ये होता है बेसिकली कि बोर्ड तक का सारा पैसा इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, जैसे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तो इस तरीके से बात करते हैं. देखिए, जैसे हम मान लीजिए एक विदेशी कंपनी को बोल रहे हैं कि हम तुमको माल भेजेंगे, तो हम ऐसे बोलते हैं, हम अपने पोर्ट तक हम तुमको 2,00,000 रुपए में माल देंगे. ठीक है, या फॉरेन करेंसी में बात करते हैं, हम बोल रहे हैं कि हम तुमको 2,00,000 US डॉलर में माल देंगे अपने पोर्ट तक पहुंचा के. हम क्या बोल रहे हैं? हम इंडियन पोर्ट तक पहुंचा के तुमको 2,00,000 US डॉलर में माल दे देंगे. तो इसका मतलब होता है एफओबी प्राइस, मतलब अपने बोर्ड तक फ्री में पहुंचा रहे हैं. ठीक है, अपने देश के पोर्ट तक फ्री में पहुंचा के हम तुमको कितने का दे रहे हैं? 2,00,000 US डॉलर का. तो 2,00,000 US डॉलर को एफओबी प्राइस कही जाएगी. ठीक है, अगर हम ऐसे कहते हैं हम 2,00,000 US डॉलर में तुम्हारे पोर्ट तक पहुंचा देंगे, मतलब यहां तक पहुंचा देंगे 2,00,000 US डॉलर, तो बताए 2,00,000 US डॉलर को कौन सी वैल्यू बोली जाएगी? CIF. क्यों? क्योंकि यहां से जब यहां तक माल जाएगा तो रास्ते में भी कुछ लगेगा. क्या क्या लगेगा? फ्रेट लगेगा, भाड़ा, और रास्ते की इंश्योरेंस भी करानी होगी, कहीं पानी में डूब गया माल तो इंश्योरेंस. तो CIF का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट. और ये कॉस्ट कौन सी होती है? ये एफओबी कॉस्ट होती है, मतलब कॉस्ट का मतलब एफओबी है. एफओबी में अगर आप इंश्योरेंस
और फ्रेट जोड़ देते हैं, ई आई जी एस टी, फ्रेट जोड़ देंगे तो ये हो जाता है सी आई एफ। एफओबी और सीआईएफ में अंतर समझ में आया कि नहीं आया सबको? एफओबी का क्या मतलब क्या होता है? जब हम कहेंगे हम एफओबी 3 लाख में देंगे, हमने आपको ऐसे बोला 3 लाख रुपए में एफओबी ले लो, 3 लाख रुपए में एफओबी लेने का मतलब हम अपने देश के पोर्ट तक 3 लाख रुपए में पहुंचा के माल दे देंगे। हम बोल रहे हैं तुमको हम सीआईएफ देंगे 3 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में सीआईएफ ले लो माल, मतलब तुम्हारे देश के पोर्ट तक पहुंचा देंगे 3 लाख रुपया। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? व्हाट इज एफओबी एंड व्हाट इज सीआईएफ? एफओबी का मतलब आप बोलिए, अब एफओबी का मतलब, एफओबी का मतलब हो गया कि हम जो भी रेट तय हुआ है, मतलब 3 लाख US डॉलर, तो 3 लाख US डॉलर में कहां तक पहुंचाएंगे? अपने पोर्ट तक। हम बोलते हैं सीआईएफ दे देंगे हम तुमको 3 लाख US डॉलर में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 3 लाख US डॉलर में हम माल कहां तक पहुंचा देंगे? आपके पोर्ट तक पहुंचा देंगे। ठीक है, बंद कर लो। ठीक है ये बात, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए हम ऐसे बोलते हैं, हम 3 लाख रुपया 3 लाख US डॉलर में हम आपको एफओबी दे रहे हैं, तो इसी वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, इसी पे क्या लगाया जाएगा? इसी को इंडियन करेंसी में पहले कन्वर्ट किया जाएगा इन INR और इसी पे रेट लगा दिया जाएगा। ठीक है, इन INR और रेट लगाएंगे कैसे, यही वाला देखते हुए, ये एक्सचेंज रेट के हिसाब से INR बनाएंगे और इसके हिसाब से रेट लगा देंगे। लेकिन मान लीजिए हमने तय एफओबी किया ही नहीं, हमने तो सीआईएफ तय किया है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 3 लाख US डॉलर में सीआईएफ, तो ध्यान दीजिएगा इस वैल्यू पे अगर हमने तय भी किया है, सीआईएफ पे तय किया है, तो इस पे रेट नहीं लगेगा, इसको कन्वर्ट नहीं करना है इंडियन करेंसी में। आप क्या कीजिएगा, सीआईएफ वैल्यू में से फ्रेट और इंश्योरेंस घटा दीजिएगा, बैक वर्किंग कीजिएगा, एफओबी निकाल लीजिएगा, जितना भाड़ा और इंश्योरेंस का पैसा लगा है वो लेस कर दीजिएगा, एफओबी निकाल लीजिएगा। एफओबी पे फिर आप क्या कीजिएगा, आपको रेट और एक्सचेंज रेट अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अपने दिमाग में एक बात बैठाइए ना, कौन सी वैल्यू पे ड्यूटी लगती है? एफओबी प्राइस पे, एक्सपोर्ट के केस में एफओबी प्राइस पे, ये वी आर टॉकिंग ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, एफओबी प्राइस पे आपको एक्सचेंज रेट और ड्यूटी लगानी है। ठीक है बच्चों, कंप्यूट एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, इलस्ट्रेशन 4 देख रहे हैं। एफओबी प्राइस ऑफ द गुड इज, एक्सपोर्ट ड्यूटी निकालना है, एफओबी प्राइस ऑफ द गुड इज US$1 lakh, शिपिंग बिल प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन दिस डेट, जिस दिन शिपिंग बिल सबमिट होती है उस दिन का कुछ यूज किया जाता है? शिपिंग बिल जिस दिन सबमिट होती है, हाँ, उस दिन का एक्सचेंज रेट लिया जाता है। तो हम यहीं पर लिख ले रहे हैं कि इस तारीख का हमको एक्सचेंज रेट चाहिए। प्रॉपर ऑफिसर पास्ड ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट ऑन, लोडिंग ऑफ गुड्स के लिए परमिशन मिल गया 1/3/2018 को, इसको क्या कहा जाता है, लेट शिप ऑर्डर मिल गया 1/3/2018 को। जिस दिन लेट शिप ऑर्डर मिलता है उस दिन का क्या यूज करते हैं, रेट ऑफ ड्यूटी, ROD हम लिखते हैं रेट ऑफ ड्यूटी के लिए। ठीक है, इस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी यूज करते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज एंड रेट ऑफ ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी आर एज अंडर, दोनों डेट की हमको एक्सचेंज रेट दे दिया, दोनों का ही ड्यूटी रेट भी दे दिया। तो देख लीजिए 28 तारीख का हमको एक्सचेंज रेट लेना है, यानी 65 रुपया ले लेंगे, और 1 तारीख का हमको रेट ऑफ ड्यूटी लेना है, 8% ले लेंगे। ठीक है, और ये प्राइस एफओबी प्राइस थी, बड़ी सुंदर बात है, इसी पे हमको काम भी करना होता है। सीआईएफ प्राइस दिया होता तो हमको उसमें से फ्रेट इंश्योरेंस कम करना पड़ता, तब एफओबी प्राइस आती। ठीक है, तो बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे। बस तुरंत क्या कीजिए, 1 लाख US डॉलर को 65 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 65 लाख रुपया हो जाएगा। ये हो गई एफओबी प्राइस इन इंडियन रूपी, एफओबी इन डॉलर ये था, एफओबी इन इंडियन रूपी ये हो गया। इस पे कस्टम ड्यूटी लगाइए 8% के रेट से, 8% ऑफ 65 लाख, कितना, 5,20,000। उसके बाद हमने लिखा है कि सेस वगैरह ये सब सारी चीजें लगती ही नहीं है, डज नॉट कैरी, बस ये हो गया 5,20,000 लगेगा, यही है टोटल ड्यूटी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं।
इलस्ट्रेशन फाइव एन एक्सपोर्टर एक्सपोर्टेड गुड्स वैल्यू एक लाख रुपए रुपए बच्चों, ये रुपी है। तो एक्सचेंज रेट की आवश्यकता है क्या? नहीं, एक्सचेंज रेट की आवश्यकता तब होती है जब जो बेसिकली हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो किस करेंसी में, अदर देन इंडियन करेंसी। एक्सचेंज रेट की आवश्यकता ही नहीं है, बस रेट ऑफ ड्यूटी चाहिए बच्चों। रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन की लगती है? जिस दिन लेट सिप ऑर्डर मिलता है। आइए जरा देखिए, शिपिंग बिल इससे मतलब नहीं। एंट्री आउटवर्ड ग्रांटेड टू द वेसल बाई प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम, ये एक। फिर सिप लेट फॉर यूएसए फ्रॉम द इंडियन पोर्ट, ये रहा लेट सिप ऑर्डर। ठीक है, तो लेट सिप ऑर्डर ये है, ये अमेरिका के लिए माल जा रहा है, तो अमेरिका के लिए कब माल निकल सकता है, ये परमिशन मिली है 7-8 को। तो रेट ऑफ ड्यूटी कितना हो जाएगा? ओ हो, ये लेट सिप है, एंट्री आउटवर्ड वाली परमिशन से ही। लेट सिप का मतलब यहां पे ये हो गया बेसिकली, ये लोग सिप किस दिन कर रहे हैं? 7-8 को। आई एम मिस्टेकन हियर, प्लीज रेक्टिफाई इट। एंट्री आउटवर्ड परमिशन उसको किस दिन मिल गई थी? 5-8 को ही। ठीक है, और एंट्री आउटवर्ड वाली परमिशन को ही कहा जाता है लेट सिप ऑर्डर, ये है लेट सिप ऑर्डर। लेट सिप ऑर्डर तो उसको पहले ही मिल गया 5-8 को। ठीक है, उसने सिप लेट फॉर यूएसए, मतलब सिप कब निकली यूएसए के लिए, वो डेट दे रहा है 7-8 को। तो इससे मतलब नहीं हमको, हमको तो लेट सिप ऑर्डर किस दिन मिला था, या फिर कह लीजिए एंट्री आउटवर्ड परमिशन किस दिन मिली थी, इससे मतलब है। तो 5-8 को ये मिल गई थी, रेट ऑफ ड्यूटी 8% हो गया। तो बस 1,00,000 का 8% कंप्यूट हो गया 8,000। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ठीक है, प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मना है, आप नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स मींस एनी गुड्स द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विच इज सब्जेक्ट टू एनी प्रोहिबिशन अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। Prohibited goods means any goods the import or export of which is subject to any prohibition under this act or any other law for the time being in force, but does not include any such goods in respect of which the conditions subject to which the goods are permitted to be imported or exported have been complied with. कहता है लेकिन अगर कोई भी गुड्स ऐसा है जिसके साथ कुछ कंडीशन अटैच थी कि अगर ऐसा आप कर दोगे तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसा करने पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, अब वो कंडीशन हमने कंप्लाई कर दी तो कह रहा है वो गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है। रिपीट करें, प्रोहिबिटेड गुड्स वो गुड्स हैं जिनको आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एक गुड्स ऐसा है, गुड्स ए, वो ऐसा है जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं अगर कुछ कंडीशन है वो सेटिस्फाई करने पे, और आपने वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो ऐसे में अब वो ए गुड्स का इंपोर्ट आपके लिए प्रोहिबिटेड नहीं है। ठीक है, मतलब अगर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन इंपोर्ट लगा हुआ है और आप वो कंडीशन कंप्लाई कर देते हो तो वो आपके लिए प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है। लेकिन अगर कोई भी गुड्स का इंपोर्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन और आप वो कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो वो आपके लिए प्रोहिबिटेड गुड्स है। हालांकि कुछ गुड्स तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड है, मतलब कि कोई कंडीशन नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड, कि देयर इज नो कंडीशन अटैच टू इट। ठीक है, इट इज प्रोहिबिटेड फॉर एवरीवन। से फॉर एग्जांपल गुड्स जो प्रोहिबिटेड है, पोर्नोग्राफिक एंड ऑब्सेंस मटीरियल। पोर्नोग्राफिक आप समझते हैं पॉन पिक्चर्स वगैरह। ठीक है, ऑब्सेंस मटेरियल मतलब बेशर्मी वाले निर्लज आइटम, आप ऐसे कह सकते हैं, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। मैप्स एंड लिटरेचर वेयर इंडियन एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैव बीन शोन इनकरेक्टली, कोई भी मैप या लिटरेचर जिसमें इंडियन बाउंड्रीज ठीक से नहीं दिखाई गई है। बेसिकली जैसे आप देखेंगे बहुत सारे मैप्स वगैरह पाकिस्तान वाले ये सब बना देते हैं जिसमें कश्मीर का एक हिस्सा किसमें दिखाई देता है, पाकिस्तान। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसे कोई भी मैप वगैरह जिसमें कि इंडियन बाउंड्रीज को ठीक से नहीं दिखाया गया है। ठीक है, बेसिकली इससे क्या होता है, इससे मार्केट में एक
अलग तरीके की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल बाउंड्रीज वगैरह ठीक से नहीं दिखाई गई हैं मैप्स में, लिटरेचर में, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, काउंटरफेट गुड्स एंड गुड्स वायोलेटिंग एनी ऑफ द लीगली इन्फोर्सेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक, ये सब नशे वाले जितने आइटम है, ठीक है। काउंटरफेट गुड्स, काउंटरफेट का मतलब होता है जालसाज, ठीक है। कुछ चीजें इस तरीके से आती हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, ठीक है, फंसाने के लिए, इस तरीके की चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। गुड्स वायलेटिंग एनी ऑफ द लीगली इन्फोर्सेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, केमिकल मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 टू द केमिकल वेपन कन्वेंशन ऑफ यूएन 1993। वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट मना है। स्पेसिफाइड लाइव बर्ड एंड एनिमल, जीवित एनिमल और बर्ड को ले जाना लाना मना है, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स देयर पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, एक्सोटिक बर्ड्स, एक्सोटिक का मतलब होता है वो जो बहुत कम दिखाई देती है, तो ज्यादा दिखाई देने वाली बर्ड भी आप विदेश नहीं ले जा सकते हो, तो कम दिखाई देने वाली तो आप ले जा ही नहीं सकते। बीफ टैलो फैट ऑब्लिक ऑयल ऑफ एनिमल ओरिजिन, ये बीफ टैफ ये सब क्या होता है, जानवरों की चर्बी, जानवरों के शरीर का तेल, ये सारी बात हो रही है। तो बीफ टैलो फैट ऑयल ऑफ एनिमल ओरिजिन, स्पेसिफाइड सी सेल, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है, ह्यूमन के स्केलेटन, ये सब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट प्रोहिबिट ईदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बिफोर और आफ्टर क्लियरेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी गुड्स। कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए प्रोहिबिट करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ के लिए एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन कर देती है, मतलब कर ही नहीं सकते। कुछ के केस में होता है सब्जेक्ट टू कंडीशन, और सब्जेक्ट टू कंडीशन में भी दो तरीके की कंडीशन होती है, एक होती है बिफोर कंडीशन, दूसरी होती है आफ्टर कंडीशन। बिफोर कंडीशन मतलब क्या होता है कि आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी इंपोर्ट के पहले, तब आप इंपोर्ट कर पाओगे, और कुछ में होता है कि आप इंपोर्ट कर लीजिए फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लीजिएगा, तो वो आफ्टर क्लियरेंस कंडीशन होती है, ठीक है। एक्स विल नॉट बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, ठीक है। मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ एक्स विल नॉट बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया, एक्स को इंडिया में आप ला ही नहीं सकते, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है कि एक्स विल नॉट बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया, वेरी क्लियर वर्ड्स में लिख रहा है कि एक्स को इंडिया में इंपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन हो गई। व्हाई विल नॉट बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया अनलेस द इंपोर्टर हैज ऑब्टेंड इंपोर्ट लाइसेंस, व्हाई इंपोर्ट नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस नहीं है, ठीक है। और ए लिमिटेड इंपोर्ट्स व्हाई इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसर्न इंपोर्ट लाइसेंस, और ठीक है, तो ए लिमिटेड ने इंपोर्ट किया व्हाई को और आफ्टर ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस। कंडीशन क्या थी व्हाई प्रोडक्ट के साथ, कि इंपोर्ट लाइसेंस होगा तभी इंपोर्ट कर सकते हो, तो ठीक है भाई, कंपनी ने कब इंपोर्ट किया, इंपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद, तो ये प्रोहिबिटेड नहीं है। ये कंडीशनल प्रोहिबिशन थी ना, इंपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद कर सकते हो, और उसने कंडीशन कंप्लाई कर दी। व्हाई विल नॉट बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया अनलेस द इंपोर्टर हैज ऑब्टेन्ड इंपोर्ट लाइसेंस, व्हाई में क्या लिखा हुआ है कि इंपोर्ट लाइसेंस जब तक ऑब्टेन नहीं होता तब तक इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। बी लिमिटेड इंपोर्ट्स व्हाई इन इंडिया विदाउट ऑब्टेनिंग कंसर्न इंपोर्ट लाइसेंस, अब बी लिमिटेड ने कैसे इंपोर्ट किया बिना लाइसेंस के, तो ये प्रोहिबिटेड गुड्स हो गई। इसमें कंडीशन जो थी वो प्री इंपोर्टेशन थी, इंपोर्ट करने के पहले वाली कंडीशन थी, ठीक है। जेट कैन बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया ओनली एंड ओनली इफ इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल सर्विसेज टू एटलीस्ट 40% ऑफ आउटडोर पेशेंट। कह रहा है कि जेट को आप इंपोर्ट तभी कर सकते हैं जब 40% आप फ्री मेडिकल सर्विस इससे देंगे, बेसिकली हो सकता है कोई दवा वगैरह हो, उसकी इंपोर्टेशन तभी अलाउड है जब 40% दवा हम कहां बांटें, फ्री में बांट दें, ठीक है, गरीबों के इलाज में फ्री में लगा दें, तो हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट कहती है। तो सिंस यहां पे कंडीशन कौन सी, इंपोर्टेशन के बाद, तो ये प्रोहिबिटेड गुड्स की इंपोर्टेशन है। क्यों? क्योंकि कंडीशन तो तब सेटिस्फाई होगी जब आप इंपोर्ट कर लोगे, ये प्रोहिबिटेड गुड्स की इंपोर्टेशन हो जाएगी, क्योंकि यहां पे कंडीशन कैसा है, पोस्ट इंपोर्टेशन, ठीक है। तो एक बार हम आपको बताएं कि प्रोहिबिटेड गुड्स भी किस प्रकार के होते हैं, प्रोहिबिटेड एक होता है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन,
ठीक है, मतलब कर ही नहीं सकते। दूसरा है कंडीशनल प्रोहिबिशन ब्रैकेट में प्री इंपोर्टेशन, और तीसरा है कंडीशनल प्रोहिबिशन पोस्ट इंपोर्टेशन। तो ये तो हमेशा प्रोहिबिटेड होता है, ये भी हमेशा प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। पोस्ट इंपोर्टेशन वाला हमेशा प्रोहिबिटेड कहलाएगा, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन हमेशा प्रोहिबिटेड कहलाएगा, ठीक है। कंडीशनल प्रोहिबिशन प्री इंपोर्टेशन वाले केस में कंडीशन सेटिस्फाई अगर कर दिया है वो, मतलब इंपोर्ट करने से पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है तो नॉट प्रोहिबिटेड है, और कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं की है, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तो ऐसे केस में वो क्या है, प्रोहिबिटेड। क्लियर हो गई बात सबको? अब आई होप बात सबको समझ में आ गई होगी, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड प्रोहिबिटेड, कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया उसने प्री इंपोर्टेशन के पहले जो कंडीशन लगी थी वो सेटिस्फाई कर दिया तो ये प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, ठीक है। बैलेंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।